हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दें। अपने अपने मोबाइल सभी से निवेदन है, साइलेंट मोड पे करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ा, क्योंकि हम सही समय पे दीदी आएगी, सही समय पे कार्यक्रम शुरू होगा, राइट टाइम समाप्त होगा और आप अपने कामकाज पे सही समय पर जा सके, इसलिए समय पर सारी चीज़ें करना आवश्यक है। मैं आमंत्रित करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय गायक युग रत्न भाई, जो कि 3 साल की छोटी उम्र से संस्था से जुड़े हैं, लगभग 30 साल हो गए आप संस्था के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा सम्मानित युग रत्न भाई, जो कि देश और विदेश में 1000 से अधिक भजन संध्या कर चुके हैं, आपके सुमधुर आवाज में हम एक भजन सुनेंगे। मैं निवेदन करती हूँ युग रत्न भाई, आप आइए और अपना भजन प्रस्तुत करिए। आज की इस सुंदर सी वेला में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की जो बात है कि इस पूरे प्रांगण में एक ऐसा ऑरा भर गया है, क्योंकि हम सभी एक पॉजिटिव संकल्प के साथ आए हैं, अपने मन के विचारों को हम अच्छा करने के लिए आए हैं, खुशनुमा बनाने के लिए आए हैं। तो मन को जो है हर बात से परे ले जाएं, तो परे ले जाने पर हम सब की जो दुनिया है, हम सब का जो आसपास का संसार है, उससे जब हम परे जाते हैं तो सारी चीज़ें हम इस दुनिया की भौतिक चीज़ों को छोड़ पाते हैं। तो आइए इस सुंदर से बात के साथ कि अपने मन को ले चलें एक इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से पार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मन वाहद के पार, चल रे मन वाहद के पार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। हमने हर बात में मैं और मेरा करते हैं। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने है घेरा। हो मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने है घेरा।
सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न बंछी पंख पसार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। इस दुनिया में कुछ भी चीज काम नहीं आती है, सिर्फ अपने कर्म काम आते हैं, अपने संस्कार काम आते हैं। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा, हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ अल आएगा, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा, आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला, हो खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला, आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। थैंक यू, ओम शांति। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय वक्ता गिरीश भाई जो मुंबई से आए हैं। आपके बारे में मैं जानकारी दूंगी। आप सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कारपोरेट ट्रेनर हैं, 25 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आप देश के अलग अलग संस्थाओं में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते हैं। कई रेडियो, टीवी चैनल, यूट्यूब में आपके व्याख्यान प्रसारित होते हैं। मैं आपको सम्मान आमंत्रित करती हूँ आपके उद्बोधन के लिए। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठे, अपना मोबाइल आप साइलेंट मोड पे कर ले। और मैं गिरीश भाई, आप सादर आमंत्रित हैं। माइक में
ओम शांति। सभी मेरे साथ ये शब्द का उच्चारण करें, ओम शांति। थोड़ा प्यार से कहिए, मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर, चेहरा थोड़ा खिला हुआ हो, मुस्कुराकर कहिए ओम शांति। ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ आप इतने सारे इंदौर के प्रतिष्ठित महानुभाव बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा जोर से और जोश से कहिए ओम शांति। थोड़ा और, एक बार और, थर्ड एंड फाइनल, ओके। जोर से ताली बजाइए अपने लिए, बहुत अच्छा। आप सभी का आज के इस बहुत सुंदर से अनोखा अनूठा आध्यात्मिक एक एनलाइटनिंग सेशन में दुआओं का बैंक बैलेंस कैसे जमा करें, इस विषय पे हमारे आदरणीय शिवानी दीदी बस पहुँच ही चुके हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का ईश्वर पिता परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से, हमारे जैन इंटरनेशनल जीतो की तरफ से आप सभी का पुनः बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार और वापस ताली बजाइए, बहुत अच्छी, मुस्कुरा के ताली बजाइए, ठीक जी, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यक्रमों में आज भी लोगों के मन में बहुत दिलचस्पी है, बहुत इंटरेस्ट है और इसके प्रति रुचि भी है और रुझान भी है। क्या खूब किसी शायर ने कहा है जिंदगी के बारे में, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, जिंदगी के लिए मनुष्य कह रहा है, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, माफ करना ए जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहा हूँ। वही लोग ताली बजाएंगे जिनको समझ में आया है ये बात जो मैंने कहा है। हाँ, अगर आपको लगता है आपको समझ में आया है तो फिर ताली बजाइए, बहुत अच्छा। जब हम, वैसे मैं मुंबई से हूँ और बॉम्बे में जब हम लोगों को कहते हैं अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकालिए स्वयं के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त करने के लिए, तो पता है बॉम्बे में लोग क्या कहते हैं? इंदौर का मुझे इतना हाल पता नहीं है, आप बता सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में लोगों को जब हम कहते हैं कि प्लीज़ टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, तो वहाँ लोग कहते हैं, गिरीश भाई मरने की फुर्सत नहीं है। आप लोग के चेहरे के हाव भाव से इंदौर का भी हाल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा मेरे को, ऐसा है या नहीं है? हाँ या ना? इंदौर में नहीं है, मतलब बहुत फालतू टाइम है। अच्छा, वो भी नहीं है, अच्छा आध्यात्मिकता के लिए टाइम है। जिनको लगता है टाइम है हाथ ऊपर उठाइए, क्या बात है जी, बहुत अच्छा, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा। तो मुंबई में जब हम लोगों को कहते हैं थोड़ा समय निकालिए, तो लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, तो फिर मैं उनको मजाक में जवाब देता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, सर इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ मरने का, कि अगर मृत्यु का देवता भी दरवाजा खटखटाए, द गॉड ऑफ डेथ नॉक्स एट योर डोर, हम में इतनी क्या कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस है, हम उसको कहते भैया कल आना, अभी टाइम नहीं है मरने का। तो आप सबका पुनः यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। ये दुआओं का जो बैंक बैलेंस है, इसको बढ़ाने की क्या विधि हो सकती है? दो तीन चीज़ों से हम अपने दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। वो है अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर और सुमधुर चेहरे की मुस्कान के आधार पर। मुझे याद आता है एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है
और जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो चल नहीं पाता है, तो गांव के सब लोग इकट्ठा होकर उसको वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। तो वैद्य जी कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, इसको फिर शहर में लेकर जाना पड़ेगा और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो गांव वालों के पास, वो बच्चा गरीब परिवार से था, उसके पास इतना धन नहीं था, तो जो सरपंच जी होते हैं, वो गांव के जो मुख्य होते हैं, वो गांव वालों को कहते हैं क्या हम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, बहुत दुआएं मिलेंगी। किसी असहाय बेसहारा को मदद करना कितनी श्रेष्ठ कर्मों की बात है। तो गांव वाले सरपंच जी को कहते हैं बिल्कुल आप कहें क्या करना है। तो सरपंच जी इस बच्चे को लेकर के शहर में जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, वो कहते हैं इतना खर्चा आएगा। सरपंच जी वापस आकर गांव वालों से कहते हैं कि भाई इतना खर्चा आएगा। गांव वाले जितना यथाशक्ति जो जितना कर सकता था उन्होंने वो सरपंच जी को पैसा दिया और वो बच्चे को लेकर शहर में आके ऑपरेशन करा दिया, बच्चा ठीक हो गया एंड द चाइल्ड वॉज एबल टू वॉक। लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमने एक श्रेष्ठ कार्य किया, एक श्रेष्ठ कर्म किया, किसी असहाय बेसहारे को हमने मदद दी। दुआओं को का बैंक बैलेंस बढ़ाने का एक श्रेष्ठ ऑप्शन हो सकता है व्हेन यू आर गुड टू अदर्स। जो आपके पास है वो आप अपने लिए नहीं इस्तेमाल करके दूसरों के लिए यूज करते हैं। गांव वाले बड़े प्रसन्नचित होते हैं। इस कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए और 20-25 साल के बाद अब वो जो गांव के जो मुखिया थे, जो सरपंच जी थे, एकदम वृद्ध, बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वो सब गांव वालों को वापस इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं, आपको याद है आज से लगभग 20-25 साल पहले, हाँ, जोर से ताली बजाइए, उज्जैन, आशा दीदी भिलाई क्षेत्र संचालिका, ऋषिका सिंह नगर निगम कमिश्नर, डॉक्टर इलैयाराजा टी कलेक्टर, हमारे जीतो के जो भी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, नगर निगम कमिश्नर मैडम, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं। हाँ, डॉक्टर इलैयाराजा टी, वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक द सीट ऑन द स्टेज। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रह्मा कुमारीज इंदौर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आज के इस भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम टाइटल्ड दुआओं का बैंक बैलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्या खूब किसी ने कहा है, आपके आने से बाहर आ गई खुशियां जैसे हमारे द्वार आ गई। स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में, आप आए तो जैसे रौनक आ गई, रौनक आ गई। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार, इस उम्मीद के साथ भुलाकर सारे गम, इस आज के कार्यक्रम में करते हैं आपका वेलकम, आपका वेलकम, आपका वेलकम।
दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, वेयर वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स. संगीत जीवन के सुख दुख का साथी है. संगीत एक अकेले इंसान के लिए सुकून है. साथ सुर ना हो तो जिंदगी के साथ रंग भी फीके हैं. इंसान कैसे संगीत सुनता है इससे उसके हाले दिल का पता चलता है. तो हम कह सकते हैं संगीत जीवन का आधार है. संगीत ही प्यार है, दिल में उठता झंकार है. संगीत है जीवन में तो खुशियों से भरा घर संसार है. चलिए आज के इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय स्मृति प्रभु स्मृति अपने मन को शांत करने के लिए मैं वापस पुनः ब्रह्मा कुमार भ्राता युग रत्न भाई को स्टेज पर पुनः आमंत्रित करता हूँ. हम सब आपके हाथ में अगर मोबाइल है पर्स है उसको सब साइड में रख दें. अपने पीठ को शोल्डर को और सिर को स्ट्रेट लाइन करें. दोनों पांव जमीन पे रखें. मन में शांति तन की शांति. ऐसा लगना चाहिए जैसे इस स्टेडियम को हो हॉल में कोई नहीं बैठा है, सिर्फ मैं अकेला हूँ. कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस. जो भी भाई बहने कहीं कहीं खड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर लें. मन की शांति सारे विश्व में हम फैलाएंगे. मैं युग रत्न भाई को कहता हूँ आज का प्रभु स्मृति का गीत. दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए जमा करने के लिए अपने संकल्पों अपने ख्यालों को पॉजिटिव सुंदर बनाना आवश्यक है. यही हम आज दीदी जी से सुनने आए हैं. तो आइए उस परमात्मा से वही वरदान लेते हैं वो वाइब्रेशन लेते हैं कि कैसे हम दुआओं का खाता जमा कर पाएंगे. ख्यालों को यूं खूबसूरत करो. ख्यालों को यूं खूबसूरत करो. दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा. ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे. ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे. आसमां से जन्नत उतर आएगा. इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी. मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी. ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी. क्या गजब है ये इनकी है जादूगरी. इनसे सारे जमाने की खिदमत करो. इनसे सारे जमाने की खिदमत करो. खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा. ख्यालों को यूं खूबसूरत करो.
खया। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अशकों को न बेवजह बहाया करो। मुंतजिर हो खुदा की फकत याद में, भूल कर ना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सा, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सा। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। युगरत्न भाई, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपका ख्याल अभी कैसा है? खूबसूरत है? जिनका खूबसूरत है हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं म्यूजिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मैजिक, और जब वो गीत गा रहे थे तो वो मैजिकल हीलिंग पावर हमारे अंदर काम कर रहा था। वॉलंटियर्स से अनुरोध है, कुछ कुर्सियाँ ये राइट साइड में खाली हैं, प्लीज़ आए हुए आमंत्रित जो हमारे गेस्ट्स हैं उन सबको यहाँ राइट साइड में डायरेक्ट करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करते हैं, हमारे मंचासीन ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी एवं अन्य अतिथियों का गुलदस्ते से और बैच के द्वारा सम्मान करें, स्वागत करें। सभी करतल ध्वनि से संगीत के साथ, हाथों के अपने संगीत के द्वारा शिवानी दीदी जी का वेलकम, हेमलता दीदी, आशा दीदी, उषा दीदी। मैं अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष जीतो हितेंद्र मेहता जी, सेक्रेटरी दिलीप सी जैन जी, आप भी ब्रह्मा कुमारी बहने गेस्ट में सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। करतल ध्वनि की आवाज बजती रहे, देखते हैं आपके हाथों में कितना दम है, सुबह कितने देर तक आप ताली बजा सकते हैं। एक्यूप्रेशर भी होता रहेगा, आवाज से मुस्कुराते हुए बजाएं।
कहते हैं संगीत जीवन का गुनगुनाया करो, दुश्मन को भी हंसकर गले लगाया करो। संगीत जीवन का गुनगुनाया करो, दुश्मन को भी हंसकर गले लगाया करो। ये जिंदगी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों, हर पल ओंठों पर मुस्कान सजाया करो, हर पल ओंठों पर मुस्कान सजाया करो। मैं अनुरोध करता हूँ जीतो बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हितेंद्र मेहता जी, सेक्रेटरी दिलीप सिंह जैन जी से वो शिवानी दीदी का स्वागत, हाँ जीतो टीम, और साथ में प्रियंका जैन अध्यक्ष जीतो लेडीज विंग, सेक्रेटरी कोयल जैन जी, सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप आएं स्टेज पर। उनके दिल की इच्छा है कि वो शिवानी दीदी जी का स्वागत करें बहुत प्यार से, बहुत आदर से। आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे जीतो बोर्ड, जीतोस लेडीज विंग, शिवानी दीदी जी का हाँ जी जीतो लेडीज विंग। अच्छा या वेट या अभी मैं अनुरोध करता हूँ प्रियंका जैन अध्यक्ष जीतो लेडीज विंग, सेक्रेटरी कोयल जैन और पूरी बोर्ड जो है उनसे भी अनुरोध है आप स्टेज में आएं और शिवानी दीदी का स्वागत करें। जीतो लेडीज विंग द्वारा शिवानी दीदी जी का स्वागत हो रहा है। पहले हाँ पूरी टीम से निवेदन है वो जल्दी जल्दी आए। नारी शक्ति के सम्मान में ओठों पर मुस्कान सजाते हुए ताली बजाएं जोर से। पूरी नारी शक्ति हमारे स्टेज पर। मैं साथ में बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीतो लेडीज विंग, थैंक यू सो मच। या अब मैं अनुरोध करता हूँ इंदौर शहर की तरफ से आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एंड साथ में नगर निगम कमिश्नर ऋषिका सिंह बहन से वी रिक्वेस्ट यू। हाँ जीतो लेडीज विंग प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बहने हैं तो फोटो के बिना कैसे चलेगा, ठीक है, भले कुछ आए ना आए फोटो तो जरूर आना चाहिए। आई एम सो सॉरी। या इंदौर शहर की तरफ से प्लीज जॉइन योर हैंड्स डॉक्टर इलैयाराजा टी एंड ऋषिका सिंह मैम वेलकम कर रहे हैं आदरणीय शिवानी बहन का। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर मैम एंड कलेक्टर सर। वी थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेशन एंड स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम टुडे मॉर्निंग। कार्यक्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मा आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी, क्षेत्रीय निर्देशिका इंदौर जोन, कि वो हम सब का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। दीदी जी के बारे में मैं बस ये दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। ओके या आई एम सो सॉरी। जी जी एक मिनट दीदी, श्रीधी परिवार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं शिवानी दीदी के स्वागत की श्रृंखला को बढ़ाते हुए श्रीधी फैमिली जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्री केसरमल जी, नितिन जैन जी और पूरे परिवार से हम अनुरोध करते हैं कि वो स्टेज पर आएं और शिवानी दीदी जी का स्वागत करें। श्रीधी फैमिली प्लीज कम ऑन द स्टेज। शिवानी बहन का स्वागत कर रहे हैं, श्रीधी फैमिली जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जोर से ताली बजाएं। जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हेमलता दीदी से अनुरोध करता हूँ वो मंच स्टेज ये माइक के पास आएं। दीदी जी के लिए मैं कह रहा था दोस्तों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। हेमलता दीदी हम सब के लिए आध्यात्मिक मिसाल है, रूहानी मार्ग प्रेरणा देती हैं। मैं हेमलता दीदी से कहता हूं कि आप सबका स्वागत शब्दों के द्वारा करें। ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हम आप सबके बीच हमारी सम्माननीय आदरणीय शिवानी दीदी जी, जो कि आध्यात्म जगत की एक महान विभूति है और आप सब तो उनको सुनते ही रहते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बहुत ही सरल सरल शब्दों में सॉल्यूशन देती हैं और उनके द्वारा बताई गई बातों को सुन करके, धारण करके आज अनेकानेक आत्माओं का जीवन बन गया है, उनकी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। तो ऐसी हमारी आदरणीय शिवानी दीदी जी का हम आप सब की तरफ से बहुत बहुत दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज मंचासीन अतिथिगण, जो कि शिवानी दीदी द्वारा दिए जाने वाले दुआओं का बैंक बैलेंस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन है, उसमें ये कार्यक्रम आप सब जानते ही हैं कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ है। तो इस समय मंच पर आसीन हमारे शहर के जिलाध्यक्ष कहें, कलेक्टर कहें, टी इलैया राजा जी, साथ में हमारी नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह जी, दोनों का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही हमारे साथ जो सम्माननीय जीतो लेडीज बोर्ड के तथा जीतो बोर्ड के सम्माननीय अतिथिगण मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय हितेंद्र मेहता जी, प्रियंका जैन जो अध्यक्ष है जीतो लेडीज विंग की, श्रीनिधि फैमिली का परिवार, साथ साथ
हमारी रेखा जैन आप सब जानते ही हैं, श्वेतांबर जैन महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ मंचासीन हैं हमारे जोन की वरिष्ठ बहनें, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जो कि भिलाई के सर्व सेवा केंद्रों की संचालिका हैं, साथ ही साथ हमारे इंदौर जोन के सभी कार्यों में कदम से कदम मिलाकर हम सब मिलकर के इस संचालन करते हैं। साथ ही हमारी आदरणीय उषा दीदी उज्जैन से, वो भी जोन की हमारी बहुत वरिष्ठ बहन है और हम सब मिलकर के इंदौर जोन के कार्य को कुशलतापूर्वक करते हैं। तो आप दोनों का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज का विषय दुआओं का बैंक बैलेंस, तो आप सब तो जानते ही हैं कि दुआएं कैसे मिलती हैं और कैसे और अच्छी तरह से हम दुआओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम हमारी शिवानी दीदी जी से सुनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। और सभा में उपस्थित हमारे नगर के सम्माननीय प्रबुद्धगण, सभी जो ऊपर नीचे सभी जो बैठे हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ सभी का। ओम शांति। स्वागत संबोधन के लिए मैं जीतो बोर्ड इंदौर के अध्यक्ष श्री हितेंद्र मेहता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल्सो रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत क्रिस्प एक मिनट में दीदी का और सबका स्वागत करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय शिवानी दीदी जो हमारे बीच है, उनका मैं जीतो इंदौर चैप्टर और जीतो लेडीज विंग और जीतो यूथ विंग, इन तीनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है कि हमें बहुत ज़्यादा शिवानी दीदी को सुनना है, तो मैं बहुत कम समय में और पूरे इंदौर की तरफ से, जीतो इंदौर की तरफ से, मेरे सारे बोर्ड की तरफ से स्वागत करता हूँ और साथ ही स्वागत करता हूँ ब्रह्मा कुमारी जी के सारे पधारे अतिथियों का, कलेक्टर इल्या राजा जी का, कमिश्नर ऋषिका सिंह जी का और श्रीधि परिवार का, जिनके कारण हम लोग ये कार्यक्रम जो है कर पाए। तो मैं इन सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और शिवानी दीदी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्वागत संबोधन की श्रृंखला में आई रिक्वेस्ट श्रीमती प्रियंका जैन जीतो लेडीज विंग के अध्यक्ष, प्लीज वेलकम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। किसी ने खूब ही कहा है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात कोशिश में लग जाती है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने और मेरी पूर्व अध्यक्ष सुनीता जी जैन ने यह विचार किया कि एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसमें दीदी को बुलाते हैं। बस फिर क्या था, दीदी की बातें मन में आ गई, संकल्प से सृष्टि। बस ये संकल्प किया कि दीदी को बुलाना है और अब इस सपने को साकार करने के लिए हम राह पे निकल पड़े। इसी बीच हमारी मुलाकात रेखा जैन आंटी से हुई, जिन्हें हमने अपने सपने के बारे में बताया। आंटी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगी और आंटी हमारी मार्गदर्शिका बनी। उसी बीच हम ओम शांति भवन गए, वहाँ हेमा दीदी ने हमें बहुत साथ और सहयोग मिला। कारवा बढ़ता गया, हम आगे चलते गए, लोग हमसे मिलते और जुड़ते चले गए। हमारी खुशियाँ चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी क्योंकि दीदी की मंजूरी हमें मिल गई थी। अब क्या था, आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया था लेकिन अभी आधा रास्ता बाकी था। इस सपने को साकार रूप देने के लिए मेरे पूरे परिवार और मेरे जीवन साथी नितिन जैन ने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग किया। यहाँ मुझे गौरवपुरी जी की एक बात याद आती है, मैं तो अकेला ही चला था मंजिल जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बदलता गया। जीतो के मेन चेयरपर्सन श्री हितेंद्र जी मेहता, आदरणीय दिलीप जी
जैन, श्री विमल जी घोड़ावत और राजू भैया सुराना, मेरी प्रिय सखी स्निग्धा जैन, टीना जैन और मेरी जीटो लेडीज विंग की बोर्ड, सभी बोर्ड मेंबर ने इस पूरे प्रोग्राम को व्यवस्थित और सुचारू रूप में चलाने के लिए मेरी बहुत अधिक मदद की, जिससे हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और ये मेरे जीवन का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है। दीदी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अपने मुखाग्र बिंदुओं से निकले हुए अनमोल वचन अनंत अनंत काल तक इस धरा पर जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, उनके जीवन में शांति और सुकून का संचार करते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं आदरणीय शिवानी दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जैन जी। Now I request collector Dr. Ilaiyaraaja T. Brother, just 1 minute, maybe few words. Yeah, thank you, sir. सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन की ओर से ब्रह्म कुमारी ना दीदी का, शिवानी दीदी का मैं हमारी शहर में स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ आज मैं और अभी नगर निगम कमिश्नर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 7:30 शार्प 7:30 बजे इतने लोग शहर के ना टाइम पे ना उपस्थित हो गए हैं, मतलब सभी प्रबुद्ध जन, सभी लोग। जैसे कि टॉपिक मेरी नॉलेज में आया, मैं अभी भी है ना इनके बता रहा था, लास्ट 10 डेज में इसी शब्दों का मैं काफ़ी बार मेरी ऑफिसर्स, मेरी नीचे तक मैंने यूज़ किया कि हमको करना क्या है। हमको सबसे दुनिया को कंफर्टेबल बनाना है तो ठीक है, पैसा चाहिए होगा, पर दुनिया को एक खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाना है तो दुआओं को, यू नो, बैंक बैलेंस को हमको बढ़ाना होगा। हमें दिल से काम करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा। तो मैं समझता हूँ, बीच में मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, मे बी ग्रीजी के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी हम लोग एक सेशंस रखेंगे। कहीं ना कहीं एक एम्पथी और सिंपथी ना लैगिंग होती है। मुझे लग रहा है शिवानी दीदी की इस वक्तव्य के बाद ऑलरेडी कुछ बदलाव है, तो और बहुत कुछ है ना बदलाव हमारे अंदर भी आएगा। जब बदलाव अंदर से आएगा तो उसको बाहर एक्सप्रेस करते हुए इस दुनिया को, हमारी शहर को और ब्यूटीफुल करने के हमें ना बहुत कुछ है ना ज़रूरत है। हमें पुनः शिवानी दीदी को शहर में ना स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन से भी हम भी प्रेरणा ले रहे हैं। आगे हम अनुरोध करते हैं श्रीमती रेखा जैन, फाउंडर प्रेसिडेंट श्वेतांबर जैन महिला संगठन, सम्मान पत्र वाचन और उसके बाद वो सम्मान पत्र भेंट भी करेंगे जीतो बोर्ड। मैं शिवानी दीदी को जो जीतो परिवार की ओर से सम्मान पत्र दिया जा रहा है, उसके शब्द रचना की है संजय जी पटेल साहब ने, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में उन जो सम्मान पत्र है उसकी कुछ लाइनें, सागर में गागर भर रही हूँ, कुछ लाइनें आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि हमारा कार्यक्रम समय पर शुरू हो। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो इंदौर, जीतो लेडीज विंग, आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और आप सभी के प्रमुख साक्षी में, मैं दीदी के लिए करुणा संस्कारों और सकारात्मक विचारों की गंगोत्री श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी आदर सहित सादर भेंट यह भावना पत्र। यह भावना पत्र हम सबकी ओर से हैं। श्रद्धेय शिवानी दीदी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और उनकी भावधारा की ऐसी ओजस्वी चिंतक, विचारक और वक्ता हैं जिनकी वाणी से पूरा विश्व सकारात्मकता से सुरभित हो उठा है। हम शिवानी दीदी के व्यक्तित्व और आध्यात्मिक यात्रा पर दृष्टि डालें तो हमें गौरव की अनुभूति होती है कि वे उसी भारत भूमि की बेटी हैं जिसमें महावीर, मीरा, तुकाराम, नानक, कबीर, विवेकानंद, श्री अरविंद और शिव बाबा जैसे अवतारी विभूतियों ने जन्म लिया।
वे मानव कल्याण हेतु इस धरा पे अवतरित हुई है। शिवानी दीदी, सच कहें तो आप 21वीं सदी की ऐसी विदुषी हैं जिनके व्याख्यान, समझाइश और चिंतन से तनाव से घिरा हुआ मनुष्य असीम शांति को प्राप्त करता है। हम लोकमाता अहिल्या देवी होलकर के शहर इंदौर में आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं और गौरवान्वित हैं। शिवानी दीदी, हम आपके आगमन, मार्गदर्शन, विचारों के प्रति साधुवाद प्रकट करते हैं। हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा से दुआ करते हैं कि दीदी के हम स्नेह पात्र बने रहे। शब्द रचना संजय नरहरि पटेल और आयोजक हितेंद्र जी मेहता, अध्यक्ष जितोइंदर, प्रियंका जैन, लेडीज विंग अध्यक्ष दिलीप जी जैन, सचिव टीना जैन, कोषाध्यक्ष कोयल, स्निग्धा जैन सचिव, राजेंद्र जी सुराना, आप सभी से निवेदन है और हमारे अतिथि महोदय, आप सभी से निवेदन है कि सम्मान पत्र दीदी को भेंट करें। पहले मैं प्रियंका जी से निवेदन करूंगी, शाल श्रीफल देकर दीदी का लेडीज विंग की तरफ से सम्मान करें, साथ में सम्मान पत्र भेंट करें। मैं कलेक्टर साहब और हर्षिका सिंह जी से निवेदन करती हूँ, उसमें सहयोग करें। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले को बुलाएं, वो करो, दीप प्रज्वलन रह गया वो करवा दो। सभी करतल ध्वनि से इस सम्मान पत्र भेंट में शामिल हों। जीतो बोर्ड का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है फॉर दिस फेलिसिटेशन। आगे के कार्यक्रम के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए मैं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलन विधिवत हम इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। भारतीय धर्म दर्शन में दीप का अपना महत्व है। हमारे त्यौहार, दैनदिनी पूजा पाठ सभी दीपक के साथ रीतिबद्ध रहते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है, जिसमें संभवतः यही उद्देश्य रहा होगा कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है, अंधकार के नाश के साथ ही नवोत्सव, नव चेतना का प्रारंभ होता है। दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम में मैं सभी मंच में जो उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करता हूं, प्लीज ज्वाइन फॉर द कैंडल लाइटिंग सेरेमनी। साथ में मैं प्रीति अग्रवाल जी, पोस्ट मास्टर जनरल, अगर वो सभा में हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, प्लीज कम ऑन द डायस। हम दीप प्रज्वलन के इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन से वातावरण में शुभ्रता आ जाती है, कार्य में कुशल संपादन की आधारशिला रखी जाती है। दीप का अर्थ महज उसकी लौ से उत्पन्न प्रकाश से नहीं है, अपितु उसके पीछे हमारी अंतर चेतना की आत्मिक अनुभूति एवं भावात्मक लगाव है। हम सब महसूस करें कि हम सब के आत्मा रूपी ज्योति जग रही है और इस कैंडल लाइटिंग समारोह में हम भी शामिल हैं। शुभ संकल्पों के जोर से ताली बजा करके दीप प्रज्वलन में अपना साथ दें। अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंच में दीप प्रज्वलन में शामिल हमारे मेहमानों का। थैंक यू। सभी मेहमानों से अनुरोध है कि वे सभा में अपना स्थान ग्रहण करें।
जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं सिस्टर शिवानी बहन को सुनने के लिए, वो पल दीदी सबका सम्मान कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से मंच में जो भी हमारे अतिथि हैं उन सबका ईश्वरीय सौगात, ईश्वरीय प्रसाद के द्वारा मिनिस्टर श्री तुलसी श्रीनावत जी, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप भी स्टेज पर आएं और शिवानी दीदी का स्वागत भी करें जी। शिवानी बहन सभी का ईश्वरीय गिफ्ट और ईश्वरीय प्रसाद से स्वागत कर रहे हैं। दीदी जी हमारे मिनिस्टर साहब का भी गिफ्ट दे करके स्वागत कर रहे हैं। मंच से अनुरोध है कि सभी हमारे मेहमान सामने सभा में बैठें। जी जी जी, सभी मेहमानों से हम अनुरोध करते हैं कि वे सभा में अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, कहा जाता है जिंदगी और बैंक का कर्ज चुकाना पड़ता है, एक उम्र के बाद जिम्मेवारी का बोझ उठाना ही पड़ता है। सभी से अनुरोध है, हम सुनने जा रहे हैं सिस्टर शिवानी जी को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ग्रेजुएट हैं। शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी और पिछले लगभग 3 दशकों से, हाँ जोर से ताली बजाएं, पिछले 3 दशकों से आध्यात्मिक क्रांति, आत्मिक चेतना और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार प्रसार की सेवा तत्पर करती रहती हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज टीवी शो के माध्यम से सिंस 2007 अनेक टीवी चैनल आस्था, जी, पीएम टीवी, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, सोनी टीवी के माध्यम से आप सभी से मुखातिब होती रहती हैं। वैसे तो बहुत सारे बैंक का आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। शायद आज हम एक नए बैंक के बारे में सुनेंगे, दुआओं का बैंक। और ये क्या होता है दुआओं का बैंक, इससे अच्छा और कौन व्यक्तित्व हमारे सामने इन बातों को रख सकता है। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसी उनकी अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरत से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसे हमारी बहुत प्यारी शिवानी दीदी, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, आपके सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। मधुर वाणी अगर हम सुन ले सुकून भरपूर मिलता है, मधुर वाणी अगर हम सुन ले सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते होते हैं कभी हमने सुना था, आज बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का दूत दिखता है, भगवान का दूत दिखता है। आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड शिवानी दीदी, लास्ट एक बात कहूँगा, काश कुछ ऐसे बैंक भी होते जहाँ खुशियाँ भी लोन में मिल जाता, जहाँ प्यार भी लोन में मिल जाता। आदरणीय सिस्टर शिवानी,
ओम शांति। हम सब एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सभी बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं चाहिए। बहुत फोटो खींच ली। ये भी इस कलयुग के अंतिम समय का एक नया संस्कार है, अपने आप को कैप्चर करना। आज दिन में कभी बैठकर सोचना, इससे क्या मिलता है हमें, क्या मिलता क्या है हमें इससे। हर क्षण एक अनुभव होता है, हर क्षण में एक वाइब्रेशन होती है, लेकिन कई बार ना हम उस वाइब्रेशन को अनुभव करते हैं, ना हम अपनी वाइब्रेशन दूसरों को रेडिएट करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा व्यस्त होते हैं सिर्फ उस सीन को कैप्चर करने के लिए, और उतनी देर में वो सीन बीत जाता है और हमारे पास उस सीन की ना ऊर्जा रहती है, ना हमने दूसरे को उस सीन से ऊर्जा देकर उसकी सेवा की होती है। हमारे पास रह जाता है तो सिर्फ उस सीन का एक चित्र, और वो चित्र भी क्या काम आने वाला है, वो चित्र भी काम आने वाला है अगले दिन सोशल मीडिया पे डालने का। और फिर क्या करेंगे उस चित्र का, फिर हम चाहेंगे कि दूसरे उस चित्र को पसंद करें, और फिर अगर दूसरों ने उस चित्र को पसंद नहीं किया तो हमारा मन दुखी हो जाएगा कि किसी ने पसंद नहीं किया। वो सीन आया था हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वो सीन आया था हम अपनी ऊर्जा रेडिएट करके दूसरों की ऊर्जा बढ़ाएं, लेकिन हम किसी और चीज़ में जाकर ऊर्जा बढ़ाई तो नहीं, लेकिन शायद अपनी ऊर्जा घटा देते हैं। तो कभी सोचना है कि वो चित्र को देखकर हमें क्या मिलने वाला है, और जब रियलाइज हो जाएगा कि उससे कुछ नहीं मिलता है तो शायद फोटो खींचने के संस्कार को हम छोड़ देंगे। अभी आ जाएगी। आवाज बढ़ा रहे हैं, प्लीज डोंट वरी, मेंटेन साइलेंस। चलिए एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, और सभी एक सेकंड के लिए अपने मन को यहाँ एकाग्र करेंगे, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं, उसको विजुअलाइज कीजिए। ब्रिकुटी के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, देखिए छोटा सा चमकता हुआ सितारा, एनर्जी, वो शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। हर संकल्प करने वाली शक्ति, हर शब्द बोलने वाली शक्ति, हर कर्म करने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। देखें अपने आप को, मैं आत्मा हूं।
शक्तिशाली आत्मा हो। शांत हो, स्थिर हो, हर परिस्थिति में शांत हो, स्थिर हो, मेरा हर संकल्प दुआ है, इसको महसूस करें। मेरा हर संकल्प दुआ है, मेरा हर संकल्प मेरी शक्ति को बढ़ाता है, मेरा हर संकल्प दूसरों की शक्ति को बढ़ाता है। मेरा हर संकल्प दुआ है। मेरे जीवन का लक्ष्य सदा सबको दुआएं देना, सदा सबको दुआएं देना। उनका व्यवहार उनका है, उनका संस्कार उनका है, मेरा संस्कार दुआएं देना। देखें कल के सारा दिन को, बहुत सारी बातें आई होंगी, क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीन, कोई व्यक्ति जिसके प्रति मेरी सोच श्रेष्ठ नहीं थी, उसको अभी बदलते हैं, अभी बदलते हैं। उन्होंने जो किया वो किया, मेरी सोच दुआ है। अभी जो कल सोचा था उनके लिए, जो कल बोला था उनके बारे में, उसको अभी बदलते हैं। अपनी सोच को, अपने शब्द को उनके लिए दुआ बनाइए। ओम शांति। उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, कल के सारा दिन में अगर हम एक दिन को भी चेक करें, सुबह उठते ही हमारा एक संकल्प होता है। फर्स्ट थॉट व्हेन वी वेक अप, उठते ही पहली सोच, आज सुबह को ही चेक कर लीजिए।
ओम शांति। अब ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखना है परिस्थिति आएगी, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, मेजॉरिटी परिस्थितियां ठीक हो जाती है, लेकिन उतनी देर में हमारी जो सोच चली क्या वो उस परिस्थिति के लिए दुआ थी? क्योंकि अगर हम उस परिस्थिति को दुआ देते हैं तो वो परिस्थिति जल्दी ठीक हो जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हम परिस्थिति को दुआ देते हैं तो परिस्थिति ठीक हो ना ठीक हो, हम सदा ठीक रहते हैं। ठीक रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सभी जो यहाँ बैठे हैं हम एक दूसरे से यहाँ मिल सकते हैं, स्क्रीन की तरफ ना देखें तो बेटर। ये हमारे इस युग का दूसरा संस्कार है, हमें आदत पड़ गई है स्क्रीन को देखना। हमारी आंखें, मन, ब्रेन सबके लिए हानिकारक है। ये हमारी एकाग्रता को घटाता है और हमें अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सिर्फ जहाँ ज़रूरी हो तब स्क्रीन का उपयोग करें, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, बात कर लेंगे? ध्यान रखना, धीरे से गर्दन जाएगी उस तरफ फिर से। नहीं जाती है, क्योंकि ये हमारा संस्कार बना हुआ है। क्योंकि आजकल हम घर में भी एक दूसरे के सामने बैठकर नीचे फ़ोन की तरफ ही देख रहे होते हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नया साल है, नई शुरुआत है, कुछ तो बदलना चाहिए ना। अगर इस साल भी घर में बैठे सिर्फ फ़ोन की तरफ ही देखेंगे तो ये कलयुग और घोर कलयुग बनता जा रहा है। अभी हॉल में आने से पहले बहन के साथ बैठे थे तो कहा इंदौर शहर फिर से सफाई में नंबर वन आ गया। आपके लिए तो ये एक संस्कार बन चुका है, अब तो कोई नई बात ही नहीं रही है ना। ये हमें एक बहुत पावरफुल चीज़ सिखाता है। एक बार कर लो, दो बार कर लो, तीन बार कर लो, उसके बाद करना नहीं पड़ता, वो हमारा संस्कार बन जाता है। लेकिन संस्कार सिर्फ इसको रखना कि सफाई रखनी है, संस्कार ये मत बना लेना कि फर्स्ट ही आना है। अगर कल कोई आपसे सीखकर अपने शहर को बहुत सुंदर बना ले और वो शहर अगले साल फर्स्ट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? पहले सोचो, 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 सोचो। शुरुआत आपने की, मेहनत आपने की, संस्कार उसको आपने बनाया, बल तो आपको उसका ही मिल गया। बाकी नंबर वन हो, नंबर टू हो, ये तो सिर्फ एक फिगर है। इसके लिए नहीं हम करते ये, हम किस लिए करते हैं? क्योंकि ये हमारा संस्कार है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें नंबर वन का अवार्ड मिलने वाला है। अगर हम उस नंबर वन पर अवार्ड पर एडिक्टेड हो गए तो शहर तो साफ हो जाएगा, मन मैला हो जाएगा, मन मैला हो जाएगा फिर। और अगर अगले साल किसी और शहर को नंबर वन मिल गया और हमें थोड़ा सा भी बुरा लगा, चाहे एक संकल्प में ही सही, तो हमने दुआओं की विपरीत सोच दे दी कि वो कैसे साफ हो गए। दे दी या नहीं दे दी? तो अगर अगले साल दूसरा शहर नंबर वन आए तो हम बोलो, आना तो है ही, आपको नहीं चाहिए, बाकी सब सीखें आपसे, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? तो आज एक संकल्प करते हैं,
हर शहर इतना सीखे कि हम नंबर लास्ट आए, इतना सब लोग सीख ले, क्योंकि वो सही मायने में हमारी सफलता है। सफलता वो नंबर वन नहीं है, लेकिन सारा दिन में हम इन नंबर्स में, वही ना, इन फोटोज में, उस फिगर्स में, जिस चीज से हमें कुछ मिलता है वो महिमा मिलती है। देखा आपने, वो उनका संस्कार है, और वो अगर खींचते रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा टाइम खींचते रहे, लेकिन फिर आप उनको देखकर स्माइल करते हो तो आपका पॉइंट मिस हो जाता है, इसलिए चेंज करना पड़ता है। जब ये फोटोज आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग होंगे उस फोटो के अंदर, लेकिन आपका ध्यान सबसे पहले किस पर जाएगा, और फिर बार बार देखकर कहेंगे कैसे, थोड़ा सा तो ठीक करना चाहिए था मुझे अपने आप को, थोड़ा मैं अपना दुपट्टा ठीक कर लेती, मेरे बाल ठीक हो जाते, मेरी स्माइल ठीक हो जाती, फोटो आ गई। वो भी एक ऐसे युग में जब फोटो एडिट भी हो सकती है। इतना ध्यान हम एक फोटो पर रख लेते हैं, अगर उतना ध्यान हम अपने संकल्पों पर रख लें तो हम सत्युगी देवी देवता बन जाएंगे आज। इतना ध्यान कि मेरा एक भी संकल्प इधर से इधर नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फोटो तो कैप्चर हो रही है, लेकिन मेरी हर सोच कैप्चर हो रही है सारा दिन या नहीं कैप्चर हो रही हो रही है नहीं हो रही है? मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार कहाँ कैप्चर हो रहा है? कहाँ कैप्चर हो रहा है? यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है आत्मा के ऊपर, वो एडिट नहीं किया जा सकता है, और वो एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो ना एडिट होती है ना कभी मिटाई जा सकती है। सो ना एडिट ना डिलीट, वो एक परमानेंट इटर्नल रिकॉर्डिंग है जो हमारे साथ कब तक चलेगी? यहाँ रिकॉर्ड हो गया, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? लाइफ टाइम, राइट? कौन कौन अग्री करता है रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम चलेगी? ओके। और जब डेथ होगी वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी? क्या हम सबको पता है हमारी डेथ होगी? पक्का है ना? किस किस को सर्टेन है? तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हम सारा दिन इसकी तैयारी करते हैं कि कैसे जीना है, हम इसकी तैयारी नहीं करते कैसे जाना है। अगर हम उसकी तैयारी कर लें कैसे जाना है, तो जीना कैसे है उस पर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता है कि जाना कैसे है। कैसे जाना है? एक सेकंड सोचो, जाना है तो कैसे जाना है? विजुअलाइज करो, मुझे जाना है तो कैसे जाना है? जाना कैसे है? सपोज अभी इस सेकंड जाना पड़े, आपको लगता है आप रेडी हैं जाने के लिए? तो कैसे जाना है फिर? कैसे जाना है? कैसे जाना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि जब आत्मा इस शरीर से निकले वो आत्मा कैसी हो, कैसी चाहिए, कैसी चाहिए? प्योर चाहिए। हाँ, और कैसी चाहिए? परफेक्ट चाहिए, कोई बोझ नहीं चाहिए, कोई हिसाब किताब नहीं चाहिए, परफेक्ट सोल चाहिए। किस किस को चाहिए कि जब हम यहाँ से निकलें तो बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए? इससे क्या होगा, अगर हम परफेक्ट होंगे तो एक निकलना बहुत सहज हो जाएगा इस शरीर से, नहीं तो निकलने में बहुत तकलीफ होती है, रस्सियां इतनी बंधी होती हैं कि शरीर खत्म हो चुका है, आत्मा छोड़ती नहीं शरीर को, क्योंकि रस्सियां इतनी बंधी हुई हैं।
तो मैं आत्मा खुद नहीं छोड़ती, आसपास के लोग मुझे वैसे छोड़ने नहीं दे रहे, क्योंकि हमने एक दूसरे से क्या कर लिया है, बहुत सारी रस्सियां बांधी हैं, और हम हर रोज ये कह देते हैं आपके बिना हम कैसे जिएंगे, जबकि हर एक जीता है उसके बाद, जीना ही है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमें ये बार बार हर एक को कहना चाहिए कि आपके बिना हम कैसे जिएंगे, और ये भी खुश होना चाहिए सोच सोच के ये मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा ये सोच करके आपके बिना दूसरा जी ना पाए? यस और नो? तो अगर आज आपका परिवार आपको कहता है कि आप जब जाएंगे हम बिल्कुल ठीक होंगे, आप जब जाएंगे आई बी बिल्कुल फाइन, बिल्कुल ठीक, हाँ चेक कर लो क्या क्या लग रहा है, अभी पूछो क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है? नहीं तो हम तो चले गए ना, तो हमारा क्या अभी उसमें, हम तो निकल गए, हमारा तो नया परिवार नया शरीर वो पीछे है। हमने सोचा प्यार मतलब हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप मेरे बिना जी नहीं सकते, ये प्यार है। प्यार मतलब हम इतने शक्तिशाली हैं कि आप भी बहुत आराम से जिएंगे और हम भी बहुत आराम से जिएंगे आपके बिना, ये शक्ति होती है। प्यार ये थोड़ी होता है कि आप भी रोते रहेंगे हम भी रोते रहेंगे, आप भी कहेंगे मेरा जीने का मन नहीं करता, हम भी कहेंगे मेरे जीने का मन नहीं करता, ये प्यार होता है? ये प्यार नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आज से सोच को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दुआओं का बैंक बैलेंस पता है बढ़ता कैसे है? इससे नहीं कि हमें दूसरों से दुआएं मिलती हैं। दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ाने का सबसे ईजी तरीका है खुद की हर सोच एक दुआ होनी चाहिए। तो अगर मैंने थॉट क्रिएट की कि मेरे जाने के बाद इनको दुख होगा, क्या ये दुआ है उनके लिए? क्या ये दुआ है? कि अगर मैंने थॉट क्रिएट की मेरे जाने के बाद ये कैसे रह पाएंगे, क्या ये दुआ है? तो कन्वर्ट कीजिए इसको दुआ में, कि मेरे जाने के बाद। देखो जब बाहर की चीजें आती हैं ना, हम सब कुछ सेट करके जाते हैं कि मेरे जाने के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ बाहर नहीं, तकलीफ तो यहाँ होती है। तो इसको भी तो हमें सेट करके जाना चाहिए ना कि मेरे जाने के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। एक समय था कि मोर और लेस पता था कि कब जाता है हर एक, तो उस टाइम के हिसाब से लोग अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे। युग बदल गया, अब के युग में क्या हमें टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए? यस, टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। क्या हमें टाइम मिलता है दूसरों को प्रिपेयर करने के लिए? तो इसका मतलब हमें हमेशा कैसा रहना पड़ेगा, हमेशा कैसा रहना पड़ेगा? रेडी टू डाई, आर यू रेडी? आप रेडी हैं? हमें सोच के ही कुछ लग रहा होता है कि बस अभी जा रहे हैं क्या हम? जो चीज होने वाली है, और कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला हमें नहीं पता, लेकिन ये एक चीज है जो होने वाली है। तो जो होने वाली है उसके लिए तैयार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, इसीलिए खुद भी डर में जीते हैं और दूसरे भी डर में जीते हैं। और डर उस बात का जो होने ही वाला है, भाई जो नहीं होने वाला उसके बारे में डरो तो भी ठीक है, होने वाला है तो क्या डरना है उसके अंदर, वो तो होने ही वाला है। लेकिन वो वाली थॉट्स क्रिएट कर करके हम आत्मा की शक्ति को क्या करना शुरू करते हैं। तो इसको फॉर्म फिट करो, मैंने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है,
हमारे बच्चों ने भी जाना है, जाना है नहीं जाना है, दिस इज अ रियलिटी। इस रियलिटी से डरते नहीं हैं, इस रियलिटी के लिए स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है, एक वो दर्द में जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया उसके लिए, उन्होंने ये सोचा मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो खुद दर्द में जाते हैं। अब आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, कहाँ जाएगी? माँ के गर्भ में प्रवेश कर लेगी। तो वो माँ के गर्भ में कौन सी स्थिति में प्रवेश किया, कौन सी स्थिति में प्रवेश किया? दर्द में किया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, इस स्थिति में प्रवेश किया। जो पीछे रह गई फैमिली, उन्होंने कौन सी एनर्जी भेजी? हमारा भी सब कुछ खत्म हो गया है, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इतनी सारी फैमिलीज अभी मिलती हैं, उसको वापस आना पड़ेगा हमारे घर, उसको आना पड़ेगा मेरे घर। इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, इतना बार बार बोलते हैं कि वो आत्मा वहां सेट ही नहीं हो सकती अपनी नई जगह पर। क्या ये प्यार है? क्या ये दुआएं हैं दूसरे के लिए? जब कोई जा रहा है तो हमें उसको कैसे भेजना होता है, कैसे भेजना चाहिए? जीते हुए तो एक दूसरे को दुआएं दे दी, जाते हुए सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत है। जरूरत है या नहीं है? एक बच्चा नए स्कूल में जा रहा है, हम दुआएं देते हैं। एक बच्चा दूसरे देश नए कॉलेज में जा रहा है, हम दुआएं देते हैं। एक आत्मा नया शरीर, नया परिवार, नया स्थान, हर चीज उसका नया है, हम दुआएं नहीं दे रहे हैं उसको जाने के टाइम? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? और जब दुआएं नहीं दे रहे हैं तो दर्द दे रहे हैं, और दर्द दुआ का ऑपोजिट होता है। दुआ का ऑपोजिट वर्ड तो हम यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी सोच संकल्प जो एक लोअर एनर्जी की होती है वो दुआ का ऑपोजिट होता है। होता या नहीं होता? तो जब कोई जाएगा उसको कैसे भेजना, कैसे भेजना? हर परिस्थिति के लिए थॉट रेडी होने चाहिए, हर परिस्थिति के लिए थॉट रेडी होने चाहिए। तो कोई जा रहा है तो उसको कैसे भेजना है? भैया जी हमारी फोटोज खिंच चुके हैं, कोई जा रहा है तो उसको किस दुआ के साथ भेजेंगे, आप बताइए, किस दुआ के साथ भेजेंगे? जस्ट थिंक राइट नाउ, कोई जा रहा है उसको किस थॉट के साथ भेजेंगे? आप जहां जाएंगे वहां बहुत खुश रहेंगे, वेरी गुड। दूसरा, आपका शरीर कैसा होगा? आपका शरीर बहुत स्वस्थ होगा। आपका नया परिवार कैसा होगा? आपका नया परिवार आपको बहुत लाड प्यार खुशहाल जीवन देने वाला परिवार है। आपका नया भाग्य कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत श्रेष्ठ होगा। और आप हमारी चिंता, बोलिए एक बार, आप हमारी चिंता नहीं करना, क्योंकि हम बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो, हम बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक है यहाँ। अब सिर्फ विजुअलाइज करो कि आप आगे गए हैं और यहाँ से पीछे से आपको वाइब्रेशन तो सारी मिलने वाली है, और अगर पीछे से आपको ये वाइब्रेशन मिलती है, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप हमारी चिंता नहीं करना, हम, आपने हमें सब कुछ सिखाया है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये वाइब्रेशन मिलती गई तो आपको लगता है आपकी जर्नी इजी हो जाएगी, हो जाएगी? लेकिन अगर आपको यहाँ से ये वाइब्रेशन मिलती गई, आप कैसे चले गए, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, हम आपके बिना कैसे जी सकते हैं, आपको वापस आना ही पड़ेगा, क्या ये जर्नी अच्छी हो जाएगी आगे? होगी? हम उस जर्नी के लिए क्या कर देंगे फिर? हम क्या करेंगे? हम उस आत्मा को क्या कर रहे हैं?
खींच रहे हैं, इससे बड़ा दुआ का ऑपोजिट हम नहीं कर सकते हैं। हम पंडित जी को बुलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पाठ करते हैं, और फिर हम वो सारे रिचुअल्स करते हैं जो हम कहते हैं इससे आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा को शांति रिचुअल से नहीं, आत्मा को शांति हमारी शांति की स्थिति से मिलेगी, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है। वो रिचुअल्स हमें सिखाए गए थे इसलिए करने हैं ताकि रिचुअल करते करते हमारी मन की स्थिति क्या होती जाए, पूजा करते करते प्रार्थना करते करते हमारी मन की स्थिति क्या होती जाए, शक्तिशाली बने, शांत बने। लेकिन हमने पंडित जी को कहा आप पूजा करो और हम तो वही बोलते जाएंगे जो हम बोल रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट दुआ जब चाहिए होती है ना, जब कोई आगे जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट दुआ जब चाहिए होती है ना, जब किसी का जाने का समय आ गया है, दिख गया है कि वो इस शरीर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी खींच खींच कर उनको जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मन क्या कहता है, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। क्या संकल्प करेंगे उस टाइम उनके लिए, क्या संकल्प करेंगे उस टाइम उनके लिए? किसी का पता है वो नहीं ठीक हो सकते, फिर भी मिरेकल तो हमेशा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या कहना चाहिए उनके लिए, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? आप विजुअलाइज करेंगे कोई आईसीयू में कोमा में है वेंटिलेटर पर एक महीने से, हमें क्या कहना चाहिए उनके लिए? हम ये भी नहीं बोलेंगे कि उनको मुक्ति मिले, क्योंकि हमें ये नहीं पता मिरेकल हो सकता है। तो हमें एक ही संकल्प करना चाहिए, परमात्मा इस आत्मा के लिए जो सही है वो होना चाहिए, हमारे लिए जो सही है वो होना नहीं चाहिए, उस आत्मा के लिए जो सही है वो होना चाहिए, उसकी जीवन कंफर्टेबल होनी चाहिए, हमारे बारे में नहीं सोचना है हमने। जब हम हमारे बारे में न सोचकर दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो देने वाली एनर्जी होती है, और वो देने वाली एनर्जी दुआ बन जाती है, और फिर वो दुआ उस आत्मा की डेस्टिनी को किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। हो सकता है वो एनर्जी से उस आत्मा का ये वाला शरीर ठीक हो जाए तो वो उसके लिए मिरेकल बन जाए, और हो सकता है ये शरीर अब रहने लायक नहीं है तो उस आत्मा को एक नया हेल्दी हैप्पी लाइफ मिल जाए तो वो उसके लिए अच्छा हो सकता है। दोनों केस में किसके लिए अच्छा होने वाला है, उसके लिए अच्छा होने वाला है, और उसके लिए अच्छा हो ये मेरी दुआ है, क्योंकि मेरा उनसे प्यार है। प्यार की एनर्जी ऐसे जाती है। अटैचमेंट की एनर्जी कैसे जाती है, अटैचमेंट की एनर्जी कैसे जाती है, नहीं मेरा क्या होगा। प्यार की एनर्जी कैसे जाती है, आपका क्या होगा। तो जैसे ही हम हर सोच को, अपनी हर थॉट को ऐसा ऊपर उठाते जाएंगे तो हमारी हर सोच दुआ बननी है। दुआ वो नहीं होती जो नए साल के पहले दिन पर दी जाती है, दुआ वो जो जन्मदिन पर दी जाती है, दुआ वो जो हर सोच में दुआ होनी चाहिए। इवन जब हम नए साल पर या कोई विशेष दिन पर दुआ देते हैं, उसकी भी वोकैबुलरी थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। हम कहते हैं मे योर ईयर बी फिल्ड विद हैप्पीनेस हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब उसका पहला शब्द क्या हो गया, उसका पहला शब्द हो गया मे, तो मे का मतलब क्या हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दुआ ऑप्शनल नहीं होती है, दुआ क्या होगी, दुआ क्या, इसको कन्वर्ट करो। हम आशा करते हैं कि आपका ये साल इस चीज से भरा, आशा करेंगे तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, बिकॉज आई सेड मे इट हैपन। तो उसको बदलते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ये नया साल
खुशी स्वस्थ और श्रेष्ठ भाग्य से भरपूर है, होना चाहिए, होगा नहीं, है, तब वो दुआ बनती है, तब वो दुआ बनती है। तो दुआ अर्थात मेरी वो सोच, जो सोच दूसरे की सिद्धि में लाकर दूसरे के लिए वो सफलता बन जाए। किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम कहते हैं हम आशा करते हैं आप ठीक हो जाएं जल्दी, ये दुआ नहीं बनेगी। हम आशा करते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएं, इस संकल्प में ही ये एनर्जी है कि आप बीमार हैं। लेकिन दुआ ये होती है जब हम कहते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपका शरीर निरोगी हेल्दी है और हमेशा रहेगा, ये दुआ बन जाएगी। तो दुआ मतलब जो हम सिद्ध करना चाहते हैं किसी के जीवन में, हम वो ही संकल्प करेंगे और वो संकल्प उन तक पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा, और वो उनके जीवन में सिद्धि लेकर आएगा। और सबसे पहले वो संकल्प किसको मिलेगा, सबसे पहले वो संकल्प किसको मिलेगा जो हम दूसरों के लिए करेंगे, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए। तो जैसे ही हमने किसी के लिए एक हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट की, सबसे पहले किसकी वाइब्रेशन ऊपर उठी, सबसे पहले वाइब्रेशन किसकी ऊपर उठी, मेरी। तो जब हम दूसरों को दुआ दे रहे हैं एक्चुअली पहले किसकी शक्ति बढ़ रही है, मेरी, पक्का, किस किस को पक्का ये कि मेरी शक्ति बढ़ेगी क्योंकि मेरी हर थॉट ऊपर 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 जा रही है। अब जब हम दूसरों के लिए ऑपोजिट सोच रहे हैं, ओहो ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब हम ये थॉट सोच रहे हैं तो हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, तो हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, नीचे। तो सारा दिन में चेक करना है, परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल दुआ बने। क्या दुआएं असंभव को संभव करती हैं, दुआएं असंभव को संभव करती हैं? किसने अनुभव किया है कि दुआएं मेरे जीवन में कुछ असंभव को संभव किया, किया ना? तो दुआएं असंभव को संभव करती हैं बाहर, लेकिन सबसे आसान तरीका असंभव को संभव करना है यहाँ की दुआएं हैं, यहाँ के संस्कारों में असंभव को संभव लेकर आते हैं। क्या हम किसी के संस्कार को बदलना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि मेरे आसपास किसी का ये एक संस्कार बदल जाए? किसी के नहीं बदलना चाहते आप संस्कार? अच्छा सोच रहे हो कौन सा वाला, किसका, कोई एक ही को सिलेक्ट करना। अभी देखते हैं हमारी दुआ कैसे वर्क करती है उसके लिए। किसी एक आत्मा को सिलेक्ट करो और उसका एक संस्कार सिलेक्ट करो, ठीक है, लेकर आओ उनको सामने, और उस संस्कार को देखो जो संस्कार उनके जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वेरी क्लियर, स्वार्थ नहीं, सेवा, हर कर्म सेवा है, दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो संस्कार उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो संस्कार उनके रिश्तों पर असर डालता है, तो उनके लिए चेक कर लिया सबने, राइट? अब वो संस्कार कौन सा है उस शब्द को लेकर आओ, और उस संस्कार की जगह कौन सा संस्कार होना चाहिए वो शब्द को लेकर आओ। जो नेगेटिव संस्कार है, अनकंफर्टेबल संस्कार है, वो तो दिखाई देता रहता है, लेकिन क्योंकि हमें वो संस्कार दिखाई देता है, हम उसी संस्कार के बारे में सोचते और बोलते रहते हैं, राइट? बोलते हैं कि नहीं? और जितनी बार हम उसी संस्कार के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे, हमारे से उनको क्या मिल रहा है, हमारे से उनको क्या मिल रहा है, बोलिए, दुआ का ऑपोजिट। ये कितना गुस्से वाला है, ये दुआ है, ये दुआ है कि ये कितना गुस्से वाला है? लेकिन हम कहेंगे वो है गुस्से वाला, तो हम यही बोलेंगे ना कि गुस्से वाला है। हमारा सेवा है दुआ देना है,
तो अगर वो गुस्से वाला है तो हम कौन सी दुआ देंगे उसको? अब बताइए, अब आपने बनाते जाना है अपनी थॉट को दुआ। क्या थॉट देंगे हम उसको अगर वो गुस्से वाला है? आप फिल इन द ब्लैंक करिए। आप बहुत शांत हैं। आप सोच लेंगे ये उनके लिए? आप सोच लेंगे ये उनके लिए? कौन कौन कर सकता है ये उनके लिए? इजी। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है उनके लिए। सोचते जाना है, सोचते जाना है, बोलते जाना है, और थोड़ी देर में दिखाई देना शुरू कर देगा। और तब हम कहेंगे आपकी दुआ ने उनका भाग्य बदल दिया। लेकिन जो दिख रहा है, जो गलती दिख रही है, जो संस्कार दिख रहा है, अगर उसी के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे तो उनका वो संस्कार पहले से भी ज्यादा, और वो संस्कार जब पहले से भी ज्यादा कड़ा बनता जाएगा तो वो संस्कार सिर्फ उनकी वजह से कड़ा नहीं बना, उसमें किस किस का योगदान है? उसमें किस किस का योगदान है? उसमें हम सब का योगदान है। और जब हम उनका कड़ा संस्कार बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका कर्म बिगड़ता गया? किसका कर्म बिगड़ता गया? मेरा बिगड़ता गया। तो एक मिनट साइलेंस में बैठो, आंख बंद करो, आसपास कौन बैठा है उसको नहीं देखना, सिर्फ अपने घर के लोगों को सामने लेकर आओ, ज्यादा दूर नहीं कोई, सिर्फ परिवार, सिर्फ परिवार के लोगों को सामने लेकर आओ। और हर एक के अंदर किसी एक संस्कार को देखते हुए आज उस संकल्प को छोड़कर उनके लिए अपना नया संकल्प बनाइए। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा सा एक संकल्प जो आज से वो आपकी उनके लिए एक परमानेंट थॉट बनेगी। आप सिर्फ वो ही सोचेंगे उनके लिए, आप सिर्फ वो ही सोचेंगे उनके लिए। जो दिख रहा है वो शब्द आज से आपके मन पर और बोल में नहीं आएगा। जो व्यवहार, जो संस्कार उनके अंदर देखना चाहते हैं वही आपका संकल्प और बोल बन जाएगा। इवन अगर कोई और उनके नेगेटिव संस्कार के बारे में बात कर रहा है आप सुनेंगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुआ देनी है। हाथ उठाओ, किस किस को मिल गए दुआ, कौन सी बनानी है उनके लिए? मिल गया? इजी, दिस साइड इजी। आज घर जाने के बाद इसको लिखना है। पहले फैमिली से स्टार्ट करते हैं। सब बहुत अच्छे हैं लेकिन हर एक के पास इस जर्नी पर, हमने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, लिया लिया लिया, इस लंबी यात्रा पर हमारे पर थोड़े 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 कुछ कुछ दाग लगे हुए हैं। लेकिन वो दाग आत्मा के संस्कार नहीं हैं, वो सिर्फ ऊपर से लगे हुए दाग हैं। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसको पक्का कर लीजिएगा। जैसे एक सीडी होती है उस पर 5 फोल्डर्स होते हैं ना। पहला फोल्डर है वो संस्कार जो आत्मा पूर्व जन्मों से लेकर आती है। मैं आत्मा अगर अभी शरीर छोड़ो, चेक करो अपने आप को, अभी शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के पास कौन से संस्कार होंगे? इसीलिए आप देखो, छोटा बच्चा है, उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। कोई बच्चा बहुत हंसमुख है, कोई बच्चा थोड़ा रोता ज्यादा है, कोई बच्चा बहुत आसानी से किसी और के पास चला जाता है,
कोई बच्चा बिल्कुल ऐसा होता है, कोई बच्चा अपनी चीज़ें दूसरों को देता है, अंकल मेरी टॉफ़ी लो, आंटी मेरी टॉफ़ी लो, और एक होता है जो उनकी भी टॉफ़ी लेकर आ जाता है, होता है कि नहीं होता? अब वो किसी ने सिखाया नहीं उसको ये सब कुछ। एक होता है जो अकेले कहीं भी जा सकता है, एक होता है जो बोलता है मैं रात को अकेला भी नहीं रह सकता हूँ। डर निडर, शेयरिंग होल्डिंग, ट्रस्टिंग डाउटिंग, ये सब संस्कार है। ये उस संस्कार उस बच्चे के किसी ने नहीं बनाया, तो वो बच्चा ये संस्कार कहाँ से लेकर आए? और एक ही पेरेंट के दो बच्चे होंगे और दोनों के पास बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट संस्कार होंगे, ये संस्कार उनके किसने बनाए? तो सबसे पावरफुल जो फोल्डर होता है, मैयात्मा पूर्व जन्म से संस्कारों का बड़ा सारा फोल्डर लेकर आती हूं अपने साथ। किस स्थिति में कोई शरीर छोड़ता है उसका भी एक डीप यहां पे इम्प्रिंट बनता है। कुछ लोग आपको मिले होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं जीवन के बड़े बड़े काम कर लेंगे लेकिन वो इंजेक्शन लगने वाला होगा तो चेहरा देखने लायक हो जाता है, और हम फिर उनको देखते होंगे बच्ची पे इंजेक्शन से कौन डरता है, क्योंकि हम नहीं डरते हैं। लेकिन वो आत्मा के लिए यहां पर कुछ रिकॉर्डेड है, वो आत्मा उस इंजेक्शन से नहीं डर रही है, वो आत्मा उस रिकॉर्डिंग से वो डर रही है जो रिकॉर्डिंग उसको भी नहीं पता कि कब हुई थी। तो किसी को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, किसी को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, किसी को पानी के पास जाने से डर लगता है, किसी को विश्वास करने से डर लगता है, किसी को लोगों की महिमा करने से डर लगता है। कहते महिमा करो तो बहुत सिर पे चढ़ जाते, जरा नीचे रखो इन सबको। ये डर कहाँ से आए, ये संस्कार कहाँ से आए? क्योंकि कभी ना कभी कुछ रिकॉर्ड हो गया था। कोई अगर हॉस्पिटल में आईसीयू में महीने हो गए, महीने हो गए, इतना कुछ उसके शरीर पर हुए जा रहा है, 6 महीने हो गए, इतना कुछ हुए जा रहा है, और वो आत्मा एक बहुत सफोकेटेड स्थिति में अगर शरीर छोड़ती है, तो फिर उनमें से कुछ आत्माओं को अगले जीवन में हॉस्पिटल इज इक्वल टू पेन रिकॉर्डेड होता है। वो दूसरों को भी हॉस्पिटल के लिए मिलने नहीं जा पाते हैं, वो कहते वो घर आएंगे ना तब हम उनको मिलने जाएंगे, मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। तो वो हमें सब अजीब लगता है ये, क्योंकि वो हमारे लिए अजीब है लेकिन उनके लिए वो बहुत रियल होता है। और इसीलिए किसी के भी संस्कार को देखकर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने उनके संस्कार को देखकर क्वेश्चन मार्क बनाया, हमने उस संस्कार को क्या कर दिया, क्या कर दिया, और पक्का कर दिया। ये दुआ का ऑपोजिट है, ये दुआ का ऑपोजिट है। किसी को पानी के पास जाने से डर लगता है, हम कहते हैं अजीब है ये पानी के पास नहीं, अजीब नहीं है, उनके लिए वो फियर बहुत रियल है। आप बहुत अच्छे हैं, आप अपना सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं, आप कभी कुछ गलत नहीं करते, लेकिन वो फिर भी आप पर विश्वास नहीं करते हैं। और हम कहते हैं मैंने कभी एक झूठ भी नहीं बोला, और ये फिर भी मुझ पर डाउट करते हैं, तो हमें लगता है ये इनको मुझसे प्रॉब्लम है, इनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन वो रिकॉर्डेड है। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में उस आत्मा ने किसी पर बहुत ट्रस्ट किया था, और उस ट्रस्ट के रिटर्न में कुछ, तो यहाँ क्या रिकॉर्ड हो गया, विश्वास किया दर्द मिला, विश्वास नहीं करना। लेकिन अगर हम उसी संस्कार को देखते जाएंगे, कहेंगे अजीब हैं ऐसे कैसे करते हैं, मुझे दर्द देते हैं मुझे, तो हम उस आत्मा को उसके संस्कार चेंज करने में सहयोग नहीं दे रहे, हम उसके वो दर्द को और भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज का होमवर्क है ये, आप अपने पास एक नोटपैड और पेन रखेंगे, या आजकल तो फ़ोन पे भी टाइप कर सकते हैं। जब भी आपको अपने आसपास के लोगों में, चाहे घर पे चाहे काम पर,
आपको कोई भी ऐसा संस्कार दिखता है जो कंफर्टेबल नहीं है, आप उस संस्कार का ऑपोजिट दुआ बनाकर उनके नाम के साथ लिख देंगे। कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? क्लियर? कभी कभी कोई ऑफिस में लेट आते हैं, उनके पास वो प्यारा सा संस्कार रिकॉर्डेड होता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले वो लेट ही आते हैं। अब वो पूरे ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि ये तो लेट ही आते हैं, तो सब लोग क्या दुआ देते हैं, ये तो है ही लेट लतीफ़, ये तो आता ही लेट है, इसको तो कुछ भी बोल दो, ये तो अपनी घड़ी आगे सेट कर ले तो घड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी लेट आएगा। इतनी दुआ देते हैं, इतनी दुआ देते हैं, इतनी दुआ देते हैं, वो आत्मा इतनी मेहनत कर रही होती है टाइम पर आने के लिए, लेकिन हमारी ये पावरफुल दुआएं उसको टाइम पर आने नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं। फिर हम उसको बोलते हैं, देखो कल ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको टाइम से पहले आना ही होगा। वो कहता है यस 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 डेफिनेट। हम कहते देखेंगे कल क्या करता है, आज तक तो आया नहीं कभी। और इतनी प्यारी वाइब्रेशन हम भेजते हैं कि वो फिर लेट हो जाता है। और जब वो फिर लेट हो जाता है, हम कहते देखा मुझे पता था आज आप फिर से लेट आओगे। स्टॉप करना और अपने आप को कहना, ये मेरे संकल्प की वजह से आज लेट आया है, क्योंकि मैंने इसके लिए संकल्प किया था कि मुझे पता है तुम नहीं कर पाते हो। दुआ दीजिए। क्या दुआ देंगे अगर कोई लेट आता है तो? ये एक भाषा बनने वाली है, दुआएं एक वोकैबुलरी है, दुआएं वो थोड़ी थोड़ी थॉट्स नहीं है, दुआएं एक वोकैबुलरी है। स्पिरिचुअलिटी हमारी वोकैबुलरी को चेंज करती है, हमारी भाषा को चेंज करती है। तो कोई लेट आता है तो उसको क्या दुआ देंगे? आप आगे देखो, ये आपने करना है, क्योंकि ये रोज करना है, सबके लिए करना है, हर संस्कार के लिए करना है। आप समय पर आओगे, समय पर आते हैं, और आप हमेशा हमेशा वर्ड ऐड करना, कभी कभी नहीं, आप हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं। दुआ आपके पास पावर है दूसरों को चेंज करने के। कर सकते हैं ये? तो क्या आज आप अपनी एक छोटी सी लिस्ट बना लेंगे, कौन कौन ये होमवर्क करने के लिए रेडी है? क्योंकि आपको याद हो ना, जब आप दूसरे को दे रहे हैं तो किसके बैंक में जमा हो रहा है? जब हम सारा दिन सोचते हैं ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे, उनका तो जो होता है सो होता है, सबसे पहला नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर उनकी कमजोरी के संस्कार का संकल्प करना शुरू किया। एक चीज पक्की करें, इतने बड़े विश्व के अंदर एक तो बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, बहुत कुछ देश में हो रहा है, और बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है, और क्योंकि ये घोर कलयुग है, वो बहुत कुछ बहुत हमेशा परफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हर एक को देखकर अगर हमारी थॉट वैसी हुई तो हमारी थॉट्स इम्परफेक्ट होने लग जाएंगी, और जब हमारी थॉट्स इम्परफेक्ट होने लग जाएंगी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कौन सी होने लगेगी? इम्परफेक्ट। ये फूल यहाँ पड़े हैं एक घंटे से, दो घंटे से, सबने देख लिए थे ना ये फूल इन आंखों से, लेकिन अगर आपने इस फूलों के बारे में कोई संकल्प नहीं किया तो वो सिर्फ यहाँ है, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है और वो और दो साल यहाँ पड़े रह सकते हैं। अगर हमने उसका संकल्प कर लिया, अब वो सिर्फ यहाँ नहीं है, अब वो कहाँ है? चेक करो यहाँ सारा दिन क्या क्या आता है। अब वो फूल कैसे भी हो, मेरी प्रैक्टिस ये बननी है कि वो फूल कैसे भी हो, मुझे उनको देखकर या तो कुछ रखना नहीं है यहाँ, और अगर रखना है तो कैसा रखना है, कैसा रखना है? या तो कुछ देखकर रखो नहीं, अगर रखना है तो ऐसा रखना है जिससे मेरी वाइब्रेशन क्या हो, ऊपर हो। तो ये फूल कैसे हैं?
कैसे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहे वैसे अभी, कैसे हैं? सुंदर हैं, अच्छे हैं। अब देखो, अगर हम बोलेंगे ये फूल अच्छे हैं तो सिर्फ अच्छा ही आएगा यहाँ पर। अगर हम बोलेंगे ये फूल बहुत अच्छे हैं तो यहाँ बहुत अच्छा आएगा। अगर हम बोलेंगे ये फूल परफेक्ट हैं तो यहाँ परफेक्ट आ जाएगा। फूल जो हैं सो हैं, हम परफेक्ट बन जाएंगे। ये है अपने लिए दुआ। हर एक को देखकर परफेक्शन 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 की थॉट डालने शुरू करो। अब एक बार अगर हम सब ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये फूल बहुत अच्छे हैं, ये फूल बहुत अच्छे हैं, तो फूल बहुत अच्छे हैं, तो उस फूल को क्या मिलना शुरू हो जाएगा? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सोच ही रहे थे थोड़ा सा मुरझाने का टाइम हो गया, दो दिन से बना हुआ था वो बुके, वो सोच ही रहे थे, थोड़ा सा शुरू होने लगा था, लेकिन सबने बोलना शुरू किया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फूल फिर से खिल जाएंगे। ये पावर ऑफ वाइब्रेशन है, इसको कहते हैं संकल्प से सृष्टि। संकल्प से सृष्टि इसको कहते हैं। प्रकृति पर हमारी वाइब्रेशन का असर पड़ता है या नहीं पड़ता? पौधों पर हमारे वाइब्रेशन का असर पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर आपके घर आपका पेट डॉग है, कैट है, उस पर आपकी वाइब्रेशन का असर पड़ता है, नहीं पड़ता? किसके घर हैं पेट्स जिनके ऊपर वाइब्रेशन का असर पड़ता है? पड़ता है। तो प्रकृति पर पड़ता है, पशु पक्षी पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। तो अब अगर मैंने इस फूल को देख कर ये कहा कि ये बहुत परफेक्ट है, तो सबसे पहले कौन परफेक्ट बना? मैं। दूसरा पता है क्या परफेक्ट बना? मेरा शरीर। क्योंकि मैंने जैसे ही थॉट क्रिएट की ये फूल परफेक्ट हैं, वो थॉट मेरे इस शरीर को रेडिएट करती है और मेरे शरीर को परफेक्शन की एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब हम दूसरों को दुआ दे रहे हैं, एक्चुअली वो दुआ पहले किसको मिल रही है? यहाँ। दूसरा वो दुआ किसको मिल रही है? यहाँ। और फिर तीसरा वो दुआ उसको मिल रही है और चौथी वो दुआ वाइब्रेशन में फैल जाती है, इस कमरे में फैल जाती है। तो आज से क्या करना शुरू करना है? आज से हर सोच में झूठ बोलना शुरू करना है। झूठी तो बोलना है, जो है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, और वो बोल बोल के पहले खुद को परफेक्ट कर देना है और खुद के शरीर को परफेक्ट कर देना है। और जब इतनी परफेक्ट एनर्जी उधर जाएगी तो वो परफेक्ट हुए बिना रह नहीं पाएंगे। ये है दुआएं जमा करना। एक सिंपल, कुछ दिन पहले परमात्मा के महावाक्य जो हम रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं उसको मुरली कहते हैं, तो उसमें एक महावाक्य था, सामने वाला कोई भी है, कुछ भी है, आप एक संकल्प करना शुरू करो, वो बहुत बहुत अच्छे हैं। बोलिए जरा एक बार। अब जरा उनको देखो जो आपको बहुत अच्छे नहीं लगते, और अब बोलो वो बहुत बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जो बहुत अच्छे लगते हैं उनके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि वो बहुत अच्छे हैं, हमें दूसरी वाली रिकॉर्डिंग चेंज करनी है। तो परमात्मा ने उसमें सिखाया, आप हर एक के लिए, और हर एक मतलब नॉट पर्सन, परिस्थिति भी, हर चीज़ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी जड़ चीज़ों, हर चीज़ के लिए आप परफेक्शन वर्ड डालना शुरू कीजिए। और अगर हम बार बार ये सोचते और बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उसमें अगला महावाक्य ये था, बहुत अच्छे बोलते बोलते आप पहले बहुत अच्छे बन जाएंगे, बन जाएंगे ना बहुत अच्छे। सेकेंड स्टेप, आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएंगे, सिर्फ हमारी एक सोच की वजह से। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो ऑपोजिट हो जाता है। तो आज का मंत्र वो कैसे हैं? देखो, जो अच्छे हैं ना उनके लिए आप बोलो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़े अच्छे नहीं हैं उनके लिए आप बोलो वो बहुत 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 अच्छे हैं। दो एनर्जी सारा दिन काम करती हैं, उनका व्यवहार उनके किसी पुराने संस्कार की रिकॉर्डिंग की वजह से, क्योंकि इनेटली तो वो बहुत अच्छे हैं, तो वो झूठ नहीं है। वो 5 फोल्डर्स कौन से थे?
पास्ट लाइफ फोल्डर, फैमिली से मिले हुए संस्कार, वातावरण से मिले हुए संस्कार। इस समय तो वातावरण में इतना कुछ है, वो फ़ोन पर ही इतना कुछ है कि हमारे अच्छे संस्कार तो वैसे ही सिर्फ फ़ोन देख देख कर बिगड़ते जा रहे हैं। वो फ़ोन है हमारा सबसे बड़ा संग का रंग। सबसे पहली दुआ अपने आप को आज दीजिए कि उस फ़ोन का सदुपयोग करना शुरू कीजिए। बाकी उसमें जो कंटेंट है जिसमें दुआएं नहीं हैं उसको आज से डिलीट करिए, और कभी किसी को फॉरवर्ड मत कीजिए क्योंकि वो भी दुआ का ऑपोजिट हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर हम किसी को गलत खाना खिलाएं तो क्या वो दुआ है? तो हम किसी को ऐसा वीडियो भेजें, हम किसी को ऐसा मैसेज भेजें जो उसकी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आएगा, क्या ये दुआ है? क्या ये दुआ है? बनाने वाले बंद कर देंगे अगर हम फॉरवर्ड करना बंद कर दें, लेकिन हम ही इतना फॉरवर्ड करते हैं तो वो और वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, डर, कोई भी विकार, कोई भी लोअर एनर्जी अगर किसी कंटेंट में है, चाहे वो एक जोक है, चाहे वो एक वीडियो है, चाहे वो एक पोइट्री है, चाहे वो एक पिक्चर है, अगर कोई भी लोअर एनर्जी किसी भी कंटेंट में है तो वो दूसरों को फॉरवर्ड करना, इससे बड़ा कर्म हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी एक को निंदा सुनाएं, किसी दो को कुछ गलत बोले, वो उतना ही कर्म है, लेकिन जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो हम कितनों को सुना रहे हैं? कितनों को सुना रहे हैं? कितनों को? कुछ आइडिया है कहां तक पहुंचेगा वो जो आपने फॉरवर्ड किया? ये हो सकता है कि जो आपने फॉरवर्ड किया वो 1,00,000 लोगों तक पहुंचा। अगर वो 1,00,000 लोगों को मन को डिस्टर्ब किया तो वो 1,00,000 के डिस्टर्ब होने का कार्मिक अकाउंट किसके पास आने वाला है? हम कहते हैं जिसने बनाया। जिसने बनाया नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ बनाने की शक्ति है, उसके पास खिलाने की शक्ति नहीं है। जिसने खिलाया, बनाने वालों को बनाने दो, पड़ा पड़ा जब यूज नहीं होगा वो अपने आप बनाना बंद कर देंगे, लेकिन हम ही बांटते रहते हैं, हम ही बांटते रहते हैं सारा दिन उसको। ये दुआ का ऑपोजिट है। कर लें आज से संस्कार चेंज, कर लें आज से संस्कार चेंज। पता चल जाएगा ना कौन से कंटेंट थोड़ा सा, क्योंकि आजकल वही नॉर्मल कंटेंट हो गए। हम ऐसे समय पे चल रहे हैं सही और गलत की परख, कि ये सही है या ये सही नहीं है। तो कोई ऐसा कंटेंट फॉरवर्ड नहीं करना जिससे दूसरे की शक्ति घटे। ये मेरे कर्मों के खाते में आने वाला है। इट इज़ लाइक किसी को सड़ा हुआ खाना खिलाना, उससे भी ज़्यादा नीचे एक्चुअली। डन, फाइनल, कौन कौन रेडी? स्वच्छ हो ही गए शहर को, तो स्वच्छता को थोड़ा सा और भी तो ऊपर उठाएंगे ना। वहीं के वहीं थोड़ी रहेंगे जितने इतने सालों से कर रहे हैं। आज से आप ये डिक्लेयर करो कि हमारे शहर में किसी के फोन पर भी वेस्ट नहीं पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ कि नहीं वेस्ट इतना सारा फोन पे? हमारे फोन पर भी वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। आज घर जाके सब कुछ को डिलीट करेंगे। आपको पता है एक नेगेटिव चीज अगर आपके फोन पर भी पड़ी हुई है उसकी एक वाइब्रेशन है, और वो फोन सारा दिन आपके साथ चिपका हुआ है। तो कभी भी अपने फोन पर कोई नेगेटिव चीज नहीं रखना, क्योंकि उस नेगेटिव चीज की वाइब्रेशन भी आपके फोन से आपके पास ही आ रही है। तो आज से हम ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा फोन भी एब्सोल्युटली साफ है। ठीक है ये बात? नहीं? एक कब डिलीट करेंगे? डिलीट कब करेंगे? डिलीट कब करेंगे? आज, आज, आज। और हो सके तो जस्ट वापस जब जा रहे हैं तभी तभी में। जितना आप अपने सिस्टम को साफ करते जाएंगे उतना आपके कर्म साफ होते जाएंगे।
जितना आपका कर्म साफ होता जाएगा, आपका भाग्य क्या होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। तो हम अपने फ़ोन को साफ कर देंगे आज, और इतना साफ करेंगे कि उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई आपको उस तरह की मैसेज भेजेगा ही नहीं, और अगर कोई भेजता है आप उसको ओपन नहीं करना, ओपन करे बिना डिलीट करना। ये नहीं कि देख लिया और फिर डिलीट किया, फोन तो साफ हो गया, मन मैला हो गया। हम क्यों दुआएं नहीं दे पा रहे लोगों को, हम क्यों नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं, क्योंकि हम सारा दिन वो भर रहे हैं अपने अंदर उस फोन से। इसलिए अगर आप एक ग्राफ बनाएं कि जब से ये चीज़ें हमारे पास आई हैं समाज के संस्कार और संस्कृति बदलती जा रही है, तो फ़ोन को साफ करेंगे, मन को साफ करेंगे। आज बहन बता रही थी कि हमारे शहर में 6 सेक्शन हैं वेस्ट के, राइट है 6। मैंने सोचा हमारे शहर में तो अभी तक 2 भी नहीं कर पा रहे, वो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी 2 नहीं कर पा रहे, तो ये आप सबकी कमाल है। लेकिन उस संस्कार को और डीपर लेकर जाते हैं। आज से हमारे पास एक और सेक्शन होगा जिसमें हम अपनी सारी वेस्ट थॉट्स भी डाल देंगे ना। जब उसमें से वेस्ट थॉट्स डालते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स रहेंगी। ब्लेसिंग्स क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी, वो ही हमारी सोच होगी, हमारी सोच दुआ होगी। दुआ क्रिएट नहीं करने हैं, हमारी हर सोच दुआ होगी। तो वो कैसे हैं सारे जो घर बैठे हैं, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। और जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं वो कैसे हैं, थोड़ा अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे ऐसा, वो बहुत। इसको फील करो कि जैसे आप ये बोलते हो कि वो बहुत अच्छे हैं, आपकी वाइब्रेशन उनके पास पहुंच रही है। अब आप देखो देश में कुछ हो रहा है, दुनिया में कुछ हो रहा है। कितने महीने हो गए दुनिया के एक देश में युद्ध चल रहा है, इतना सा देश भी नहीं है वो, छोटू सा, इतना छोटू सा देश है और इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन वो क्यों नहीं खत्म होता पता है? क्योंकि पूरी दुनिया 700 करोड़ या 800 करोड़ जितने लोग हैं वो सभी वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही बोलते हैं, वही डिस्कस करते हैं, वो ही वाइब्रेशन वहाँ जाती है। अगर पूरी दुनिया एक संकल्प क्रिएट कर ले जो हम चाहते हैं कि हो, अगर पूरी दुनिया वो संकल्प क्रिएट कर ले, आपको मिरेकल दिखाई देगा और फिर हम कहेंगे सबकी दुआ से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दुआ देनी होगी, दुआ देनी होगी। ये नहीं जब मिले एक दूसरे से बात की, तुमने सुना वहाँ क्या हो रहा है, पता है वहाँ क्या हो रहा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। Discussing the problem means increasing the problem. क्योंकि हम वही सोच और वही शब्द को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड में क्या हुआ, कोविड आया, हमें सिखा दिया गया था कैसे हमें अपने आप को संभालना है, हमने सीख लिया। हाँ हम में से बहुत लोग बीमार हुए, हाँ हम में से किसी ने किसी को खोया भी है। कोविड खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है कौन सी चीज़ अभी तक की सृष्टि से नहीं खत्म हुई है, वो डर और एंग्जाइटी जो हमने सबने मिलकर उस 2 साल में क्रिएट किया। और पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ इशू इधर से इधर चले गए, 30% बढ़े हैं भारत देश के अंदर। और आपको पता है सबसे ज़्यादा किस पर असर हुआ, बच्चों के ऊपर। डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है। आपकी लाइफ में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं, रीज़न है हवा, हवा। क्योंकि हम सब ने उस 2 साल में क्या कहा, कोविड है, डर तो लगेगा ही, कोविड है, टेंशन तो होगी ही। इतने सारे करोड़ों लोग जब एक टाइम पर इस तरह के दूषित वाइब्रेशन हवा में डालेंगे तो हवा क्या हो जाएगी, हवा क्या हो जाएगी। तो हमारा तीसरा होमवर्क, प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम की तरह बात नहीं करेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी सी हमारे घर में हो, चाहे वो प्रॉब्लम पड़ोस में हो, देश में हो, दुनिया में हो। प्रॉब्लम के शब्दों को अगर रिपीट किया तो हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा कर्म बनता है।
तो जब प्रॉब्लम दिखेगी तो हमें उसको क्या देना है, क्या देना है? अब हमें आ गए ना वोकैबुलरी को कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है वोकैबुलरी को? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम वर्ड रिपीट हो जाएगा। दुआ में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकता, दुआ में ये नहीं होना चाहिए ये वर्ड नहीं हो सकता ना। दुआ की एक वोकैबुलरी होती है, दुआ मतलब क्या, एक हाई एनर्जी वोकैबुलरी। तो दुआ में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, दुआ में ये नहीं होना चाहिए ये वर्ड नहीं आएगा। वाइब्रेशन में सिर्फ वो वर्ड आएंगे जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए, आप कहेंगे ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर कोई बीमार है तो हम कहेंगे नहीं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, हम कहेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो दुआ बन जाती है उसके लिए। कोई लेट आ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे आप टाइम पर आ जाएंगे, हम कहते हैं आप हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। संकल्प से सिद्धि होती है। आ जाएंगे मतलब आ जाएंगे, कभी आ चुके हैं मतलब हो चुका है, वो दुआ बन जाती है। इजी करना, ये इजी है करना। कौन कौन इसकी प्रैक्टिस आज से करना शुरू करने वाला है? एक मिनट साइलेंस में बैठो, अपनी लाइफ की कुछ सिचुएशन को अभी चेक कर लो और उसकी ब्लेसिंग अभी बना लो। चाहे वो आपके ऑफिस में है, बिजनेस में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो किसी के संस्कार में है, अपने सर्कल में, अपने सर्कल में जो भी इश्यूज हैं उसकी ब्लेसिंग बना लो। भाषा क्या है? जो देखना चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, ये संकल्प करना है। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, काम तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा तो कभी चला ही नहीं था। वो बहुत अच्छे हैं, उनका हर कर्म श्रेष्ठ है, उनका हर डिसीशन एक्यूरेट है। और जब आंसर न पता हो कि क्या सही है किसी के लिए, तो समर्पण की दुआ दीजिए, जो उनके लिए सही है वही होगा। जरूरी नहीं है जो हम सोचते हैं उनके लिए वो सही होता है, तो हम समर्पण करते हैं, जो उनके लिए सही है वो ही होगा। जो उनके लिए सही है वो होना चाहिए नहीं, जो उनके लिए सही है वही होगा। ओके, ठीक है, हो गया, क्रिएट किया। ये आपके लिए एक नोट्स की जगह होनी चाहिए, आपके फोन पर या आपके छोटे से नोटपैड पर। कोई भी वेस्ट थॉट दिखाई देगी, कोई भी नेगेटिव थॉट दिखाई देगी, उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। और जिन चीज़ों को हम बनाना चाहते हैं उसको हम हर रोज़ कम से कम सुबह एक बार और रात को एक बार वो दुआ ज़रूर देंगे। और फिर धीरे धीरे हम उसको इतनी बार दुआ देते जाएंगे कि बहुत जल्दी वो सिर्फ हमारा एक संकल्प या दुआ नहीं, वो हमारी सोचने और बोलने की भाषा बन जाएगी। अगर कभी किसी के साथ पास्ट में कुछ हुआ है और तब हमने कुछ क्रिएट कर लिया था, भले गलती उनकी थी भले गलती मेरी थी, नो प्रॉब्लम, हमारे से भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। अगर हमारे से भी गलती हो जाए तो बार बार उस गलती को ऐसे कैसे कर दिया मैंने,
ऐसे कैसे मेरे से हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती तो ठीक हो जाता। गिल्ट, गिल्ट, गिल्ट दुआ नहीं होता है। दुनिया कहती है यू शुड फील गिल्टी, यू शुड फील गिल्टी, परमात्मा कहते नो। समझ आ गया कि क्या सही करना था, फुल स्टॉप। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड को रिपीट करने से एनर्जी इतनी कम होती है कि उसके बाद फिर से गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, घटते नहीं हैं। तो परमात्मा हमेशा सिखाते एक सेकंड से ज़्यादा गिल्ट नहीं क्रिएट करना है। कितनी देर क्रिएट करना है गिल्ट? एक सेकंड। और वो एक सेकंड भी क्या है, ये हुआ ऐसे करना चाहिए था, फुल स्टॉप, ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा दुआएं किसको देनी है हमें? अपने आप को, अपने संस्कारों को चेक करते हुए। और दूसरा, सारा दिन हमारा कर्म ऐसा हो, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ धन कितना कमाया जाता है वो प्रायोरिटी बनी हुई है। आप कितना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं, चाहे धन कमाते हैं, नाम मान शान कमाते हैं, ऐसे वाली एनर्जी है। धन बहुत काम करता है, लेकिन हम कलयुग में देख रहे हैं कई ऐसी बातें आती हैं जिसमें धन भी कुछ नहीं कर सकता है। होता है ऐसा या नहीं होता है? तो अब समय आ गया कि हमें दुआएं भी कमानी पड़ेंगी। दुआएं कमानी पड़ेंगी। जब भी कोई ऐसी बात आती है जहां धन भी काम नहीं करता है तो लोग क्या कहते हैं, अब तो किसी की दुआ ही ये काम ठीक करेगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब तो किसी की दुआ ही ठीक करेगी। और कभी कभी जो लग रहा था कि नहीं ठीक होगा और वो ठीक हो जाता है तो सब कहते हैं किसी की दुआ लगी। वो किसी और की दुआ नहीं लगी होती है, वो हमारे कर्मों को हमारी ही दुआ लग सकती है सिर्फ। एंड अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो लोग कहते हैं किसी की नज़र लगी। नज़र भी किसी की नहीं लग सकती। मेरा भाग्य सिर्फ मेरे कर्मों से बनता है, मेरा भाग्य किसी और की वाइब्रेशन से नहीं बन सकता है। अगर सारी दुनिया भी हमारे लिए नेगेटिव सोचे, सारे तो सोचेंगे नहीं वैसे, लेकिन अगर सब लोग भी हमारे लिए नेगेटिव सोचे, यही है ना? अगर सब लोग भी हमारे लिए नेगेटिव सोचें तो भी वो नेगेटिव थॉट हम पर असर नहीं करेगी अगर हमने अपनी एनर्जी को कहाँ रखा हुआ है। उनकी जो थॉट है, चाहे जेलेसी की हो, इनसिक्योरिटी की हो, वो एक लोअर थॉट होती है। एनर्जी कभी भी ऐसे नहीं जा सकती है। एनर्जी हमेशा कैसे फ्लो करेगी? ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है। तो अगर हम अपनी एनर्जी को ऊपर रखेंगे, कितने भी लोग आपके लिए नीचे की एनर्जी की थॉट क्रिएट करें, वो एनर्जी आपके पास यहाँ टच नहीं कर सकती है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, अगर आपने उनको दुआ देनी शुरू कर दी तो वो बदल जाएंगे, ये पक्का है। आपका भाग्य किसी की वाइब्रेशन से नहीं बदल सकता है, लेकिन हमें ये बोलना बंद करना पड़ेगा किसी की नज़र लगे। हटाने के लिए रेडी? डाल दीजिए उस वेस्ट थॉट के बिन में। कहीं जाते हैं, वापस आते हैं, खांसी हो रही है, कहते पता नहीं कल पार्टी में गए थे, किसी की नज़र लगी। अरे क्यों, वायरल नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी सोच को कहाँ ले गए, इतना नीचे ले गए कि हमने अपने गेट को खोल दिया कि सबकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ जाए। और फिर हम अपने घर पे वो काले काले चेहरे लगा देते हैं कि इससे किसी की एनर्जी हमारे घर पर नहीं आएगी। भाई काले चेहरे, नींबू मिर्ची कितना बचाएंगे सबकी एनर्जी से? आपको एनर्जी सिर्फ एनर्जी से ही बच सकती है, सोच सिर्फ सोच से ही काटी जा सकती है,
लोहा लोहे को काटता है, सोच सोच को काटती है। दूसरा आपके लिए नेगेटिव सोचता जाए, आप उसको दुआएं देते जाओ। वो और ज़्यादा नेगेटिव सोचता जाए, आप और ज़्यादा दुआएं देते जाओ। वो जितना नेगेटिव सोचता जाए, आप उतना कई गुना ज़्यादा उसको दुआएं देते जाओ। नेगेटिव एनर्जी ऊपर नहीं जा सकती है, प्योर एनर्जी ऐसे जाएगी। रेडी? आप पर किसी की नज़र लगी? बोलो, मुझ पर किसी की लग ही नहीं सकती। ये दुआ दो अपने आप को, बोलो मुझ पर किसी की लग ही नहीं सकती। और उसको अगर और आपको हायर करना है तो आप उसको बोलो, मुझ पर तो परमात्मा की नज़र है, अब उसके बाद किसकी नज़र लगेगी मुझे? बस खत्म, फिनिश्ड। सोच चेंज। कोई लोअर एनर्जी शब्द बोलना नहीं, और कभी अपने बच्चों को दुआ का ऑपोजिट देना नहीं, ये बोल के कि इनको किसी की नज़र लगी। क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम ही उनको वो नेगेटिव एनर्जी के लिए ओपन अप कर रहे हैं, उनके सर्कल को, कि सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाए। ये हैं ही इतने कमज़ोर, इनको सबकी नेगेटिव एनर्जी लगती रहती है। जितना हम इसको रिपीट करते हैं, हम एक्चुअली अपने आप को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते जा रहे हैं? नीचे करते जा रहे हैं। सपोज़ अगर हमारे जीवन में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्या आपके जीवन में 50 लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं? हैं या नहीं हैं? कौन ज़्यादा है हमारे जीवन में, अच्छा सोचने वाले या नेगेटिव सोचने वाले? तो अगर हम इसको भी ले लें कि 50 लोग मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, 10 लोग मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो भी मेरी साइड कौन सी तरफ भारी है? लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कितने लोग मुझे दुआएं कर, नहीं लोग मेरे, तो मैंने ये वाली खिड़की खोली, ये बंद कर दी, मैंने ये वाली बंद कर दी, तो ये इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी तरफ मैंने अपने आप को ओपन कर दिया, तो यही वाली एनर्जी मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे ऊपर किसकी नज़र है? हमारे ऊपर परमात्मा की नज़र है, और हमारे पास ढेर ढेर दुआएं हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारा हर सोच ही दुआ है। राइट बात है? तो धन कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन धन से ज़्यादा क्या कमाना है? अगर धन भी कहीं अटक गया ना, तो दुआएं ही उस काम को ठीक करती हैं, दुआएं ही उस काम को ठीक करती हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अटक गया है, तो समझो दुआओं का ऑपोजिट कहीं तो कमाया है, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लिया गलती से, कमा लिया, आज कमाया था, किसी और जन्म में कमाया था, मुझे तो याद नहीं। आज दुआएं कमाना शुरू करो, वो असंभव को संभव कर देगा, असंभव को संभव। दुआएं कमाना शुरू करो मतलब अपनी सोच को सही रखना है। चाहे मुश्किल से मुश्किल बात आपके जीवन में आ जाए, आप सिर्फ एक दुआ देना शुरू करो, इसमें भी मेरा कल्याण है। बोल सकते हैं एक बार, ये बात भी मेरे कल्याण के लिए आई है, ये बात भी मेरे कल्याण के लिए आई है। जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, ये मेरे कल्याण के लिए आई है, ये मेरे कल्याण, हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं उसको? कल्याण, कल्याण, कल्याण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलते जाओ, पहले खुद बहुत अच्छे बन जाएंगे, और बहुत अच्छी वाइब्रेशन जो उस बात को जाएगी, तो वो बात बहुत अच्छी बन जाएगी। सबसे पहले घर में आने वाले धन का ध्यान रखें। ज़्यादा धन कमाने की होड़ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे वो धन दुआओं के साथ नहीं आता है। धन हमारे घर की फर्स्ट एनर्जी होती है। धन से अन्न आता है, अन्न से मन पर असर पड़ता है, मन का असर तन पर पड़ता है। अगर धन में कुछ नेगेटिव आ गया, तो आप समझो कि पूरे प्लांट पर असर हो जाएगा उसका। तो धन दुआओं के साथ आना मतलब ऐसा काम करें जिसमें मुझे क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझसे सबको क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जब इस डायरेक्शन में रहे तो इधर तो अपने आप ही भरता जाएगा। अपने काम की जगह पर कभी शिकायत नहीं, आपके साथ काम करने वाले लोगों से कभी नाराज़गी नहीं, ना उनको डांट डूंट के उनसे काम करवाना, तो वो काम तो कर देंगे लेकिन दर्द में करेंगे,
तो वो धन कैसा आएगा घर, वो धन कैसा आएगा घर? तो धन दुआओं के साथ आए, उसके लिए वर्क स्पेस की जो एनर्जी होती है वो शुक्राना से भरी हुई होनी चाहिए। हमारे अकेले के काम करने से पैसा नहीं आ सकता घर पे, बहुत लोग काम करते हैं उस घर पे पैसा लाने के लिए हमारे, तो वो पैसा सबके मन की शांति संतुष्टता और शुक्राना से जब आएगा तब उस घर में शुक्राना और सुकून आना शुरू होगा। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। डन, रेडी? कम कमाएं लेकिन दुआएं कमाएं, और जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाते हैं, उन्होंने जितना सोचा नहीं था उनके घर में आ जाता है क्योंकि वो दुआएं कमा रहे थे, क्योंकि वो दुआएं कमा रहे थे। और फिर उस धन को खर्च भी ठीक से किया जाए। आज हमें सबसे ज़्यादा दुआएं प्रकृति को देने की ज़रूरत है। आपको दिख रहा है प्रकृति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, सब कुछ ये जो हो रहा है ये हमारे कर्मों का परिणाम है, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर आज भी हमने अपने कर्म को नहीं बदला तो प्रकृति आगे क्या क्या दिखाएगी। और ये हमने प्रकृति को इसलिए एक्सप्लॉइट किया क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए थे। पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, तो हमने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। किस किस के पास अलमारी कम और कपड़े ज़्यादा है? बस ये संस्कार को थोड़ा सा चेंज करना है, ये है प्रकृति को दुआ देना। आने वाला समय बातें आएंगी, प्रकृति के साथ रिश्ता बनाकर रखना, रिश्ता बनाकर रखना। प्रकृति का सम्मान करेंगे प्रकृति आपका ध्यान रखेगी, लेकिन प्रकृति का सम्मान करने के लिए अपने जीवन को सादगी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। दो दिन पहना बोर हो गए, साल पहना बोर हो गए, फिर से कौन यही साड़ी पहन कर जाएगा? अब मुझे नई लेनी है, बोर हो रहे हैं इसलिए नई लेनी है, लोग क्या बोलेंगे इसलिए नई लेनी है। वो हर कपड़ा बनने में पानी लगता है, पदार्थ लगते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। जब तक वो फटता नहीं तब तक वो हमें पहनना चाहिए। ये है उसका सम्मान करना, ये है उसका सम्मान करना। कपड़े खुशी और बोर होने के लिए नहीं बनाए जाते, शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। कपड़े लोगों की महिमा इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाए जाते, कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। तो फिर वो चाहे कपड़े हो चाहे नया फोन हो, वो इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लग जाता है, हैप्पी फेस, न्यू मॉडल, न्यू वर्जन ऑफ फोन। तो हमने सोचा मेरा पुराना फोन ही मेरी टेंशन का कारण है, मेरे दुख का कारण है, नया लेंगे तो खुश हो जाएंगे। पुराने को फेंक देते हैं, नया खरीद लेते हैं। प्रकृति को हम अब्यूज कर रहे हैं। तो जब यहां से शुरू होगी, यहां को दुआ, शरीर को वह दुआ जाएगी, रिश्तों तक पहुंचेगी, प्रकृति तक पहुंचेगी, तब ये सृष्टि स्वर्ग बनेगी। क्योंकि हम सबकी ये दुआ है अब कि ये सत्ययुगी दुनिया इस सृष्टि पर बहुत जल्दी आनी है, नहीं आनी है, आनी है। और वो कैसे आएगी? जब हम सब मिलकर उसको लाएंगे, वो अपने आप नहीं आ जाती मैजिक से कहीं पे। तो न्यू ईयर सादगी वाला जीवन, कौन रेडी? पक्का पक्का? हर चीज़ में देखना, ये चीज़ वेस्ट नहीं करनी, ये चीज़ वेस्ट नहीं करनी, ये चीज़ वेस्ट नहीं करनी। किसी को गिफ्ट देना है ऐसे गिफ्ट दे दो, उसके ऊपर इतना बड़ा डब्बा और इतना रबर पेपर और उसके बाद इतनी सारी रिबन, वेस्ट। क्योंकि वो व्यक्ति उसको सिर्फ ऐसे खोलता है और वो आपके वो 6 सेक्शन वाले डस्टबिन में जाके डालकर उसको फेंक देता है। वेस्ट, कितना वेस्ट। अब हमें लगता है ये तो ये छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये संस्कार है, ये वेस्ट करने का संस्कार है। मुझे हर चीज़ की वैल्यू करनी है, हर चीज़ को दुआ देनी है, तब हम सब मिलकर सत्योगी संस्कार, निरोगी कंचन काया और सत्व प्रधान प्रकृति बनाकर भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। बनाना है, सिर्फ इंदौर को नहीं बनाना है, सिर्फ इंदौर को नंबर वन नहीं बनाना है, भारत को स्वर्णिम भारत बनाकर इस विश्व को
वो सारी सकाश और एनर्जी देकर सृष्टि को सत्युग बनाना है। रेडी है सारे करने के लिए? पक्का है? रेडी? कौन कौन रेडी है? हमें सृष्टि को सत्युग बनाना है, तो कलयुग संस्कार यहाँ छोड़ कर जाएंगे आज। ओके, सीधा होकर बैठे। राजयोग एक ऐसी विधि है जो हमें मन का मालिक, कर्म इंद्रियों का मालिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हर सोच कैसे क्रिएट करने हैं उसकी विधि सिखाते हैं। और जब हम हर रोज़ कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं, हमें उसके नोट्स बनाकर अपनी सोच को चेंज करना नहीं पड़ता है, वो हमारी नेचुरल सोच बन जाएगी। और जो चीज़ हमारी नेचुरल सोच बन जाएगी वो हमारे नेचुरल बोल बन जाएंगे। तो ऐसा जीवन जिसमें मेरी हर सोच दुआ, हर बोल दुआ, इसीलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दे रहे हैं, उसी को कहते हैं दिव्य आत्मा, देवी देवता, और उसी को कहते हैं सत्युग। तो हमें अपनी हर सोच और शब्द को दुआ बनाना है। तो आज हम सब इकट्ठे हुए, कल से 5 दिन के लिए हम फिर से 1 घंटे के लिए इकट्ठे होंगे इस राजयोग की विधि को सीखने के लिए। 1 दिन में नहीं संस्कार चेंज होगा, इसकी और गहराई और गहराई और गहराई है। और आप सब अति भाग्यशाली हैं, नंबर 1 है ना, इसीलिए तो भाग्य है, श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य मिलता है। तो आप सबको इस राज्यों की विधि को गहराई से लेकर जाने के लिए खास केरला से गिरीश भाई 5 दिन के लिए आपके शहर में रहने के लिए आए हैं। मिले थे ना अभी स्टार्टिंग में आप सबको, बहुत ही योगी आत्मा जो ज्ञान और योग के प्रयोग को सिर्फ देश में नहीं विश्व में लेकर जा रहे हैं। उनका ये जनवरी मास साइलेंस का महीना होता है, वो हर साल 1st से 20th January तक मौन में रहते हैं, वो कभी नहीं बोलते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, कभी किसी सेवा में नहीं जाते हैं। पहली बार उन्होंने अपने मौन को तोड़ा है आपके यहाँ आने के लिए, आपके लिए आने के लिए। यहाँ तक कि जब उनको दीदी ने फ़ोन किया था आने के लिए, उन्होंने सबसे पहले कहते हैं दीदी मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरा मौन है, अगर 20 जनवरी के बाद होगा तो बताना। लेकिन फिर उन्होंने ही, हम तो कहेंगे परमात्मा के ही टचिंग है, क्योंकि अगले दिन ही जो हम रोज़ मुरली स्टडी करते हैं उसमें परमात्मा का कोई लाइन ऐसा आया, वो सुनने के बाद उन्होंने फ़ोन करके बोला नहीं मैं आता हूँ ये प्रोग्राम करने के लिए। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, ये विशेष, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। तो उन्होंने तो अपना मौन तोड़ा, वो अपने स्थान से यहाँ 5 दिन के लिए रहने के लिए आए। अब क्या आप 1 घंटा 5 दिन के लिए निकाल कर आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे ना? आएंगे। ये होता है सम्मान, ये होता है दुआ, और उसमें फ़ायदा उनका तो होने नहीं वाला है। किसका फ़ायदा होने वाला है? हमारा फ़ायदा। तो आप सब के फोल्डर में, या जब आप आ रहे थे आपको वो कार्ड मिला है। तो ये प्रोग्राम सेंटर पर होगा, सेंटर पर एक बहुत सुंदर हॉल है और सेंटर का नाम है ज्ञान शिखर, न्यू पलाशिया रोड पर। और 2 टाइम रखे हैं, 1 सुबह 1 शाम। सुबह का टाइम है 7:30 बजे और शाम का टाइम है 7 बजे। सुबह 7:30 और शाम को 7। और ये प्रोग्राम, ये सेशन बिल्कुल टाइम पर डॉट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सब के पास संस्कार है समय पर आने का, हम समय से 5-10 मिनट पहले आ जाएंगे। कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए? हाथ उठा लो सारे, ऊपर सभी हाथ उठा लो। वेरी गुड। ऐसे मौके हर रोज़ नहीं आते हैं। भगवान कोई प्रसाद दे तो उस प्रसाद को क्या कर लेना चाहिए? स्वीकार, भाग्य बदलेगा। चलिए सीधा होकर बैठेंगे 1 मिनट और अपने ध्यान को वापस केंद्रित करें भ्रुकुटी के बीच।
ये अभ्यास बार बार करना है आज सारा दिन में, ये एकाग्रता को बढ़ाता है, वेस्ट थॉट्स को खत्म करता है। देखें मृकुटी के बीच वो चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। संकल्प करें, मैं सत्युगी आत्मा मैं दिव्य आत्मा अपने चारों तरफ देखें, एक वाइट लाइट का आभा मंडल, बेदाग निस्वार्थ वाइट लाइट का आभा मंडल। मैं सबको देने वाली आत्मा, हर संकल्प में दुआ, हर शब्द में दुआ, ये मेरा संस्कार है। दुआएं देना ये मेरा संस्कार है। दुआएं देना ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा व्यक्तित्व है। मैं सत्यों की आत्मा हूं। पवित्र आत्मा, सब बहुत अच्छे हैं, हर एक फरिश्ता है, देखें सबको और उनको दुआ दीजिए, आप फरिश्ता हो। हर परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, मुझ पर परमात्मा की नजर है। मैं सत्युगी आत्मा हूं, आज पूरा दिन सब कुछ करते हुए अटेंशन, मेरी हर सोच दुआ है, मेरा हर शब्द दुआ है। अगर कोई और सोच हो भी गई तो रुक कर फिर से उसको चेंज करेंगे आज, ये हमारी प्रैक्टिस चलेगी आज। कुछ बोल भी दिया तो रुक कर फिर से रिपीट करेंगे, ये सिर्फ एक भाषा है। हम सबको दो तीन भाषाएं तो आती ही हैं, आज हम एक और नई भाषा जो बहुत सहज है आज उसको शुरू करेंगे। गलत बोला तो रुक कर फिर से रिपीट करेंगे, जो नहीं सोचना था सोचा, रुक कर फिर से रिपीट करेंगे। और कुछ दिन में दुआ मेरी भाषा बन जाएगी। अब इसको अपनी शक्ति बनाने के लिए
हम घर पहुंचने तक मौन में रहेंगे, बिल्कुल मौन में। और अगर अर्जेंट ना हो तो घर पहुंचने तक फोन भी नहीं देखेंगे। ये 15-20 मिनट अपने लिए रखिए, अपनी सोच, अपने बोल की चेकिंग, और जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। हमारा यहाँ से उठना चलना ये भी दुआ है, अपने आप के लिए और हमारे आसपास जो सब है उनके लिए भी। कौन कौन मौन में रह सकता है घर पहुंचने तक? हाथ उठाओ। ये शक्ति को संभाल के जाएंगे घर। जो गैलरी में बैठे हैं 5 लाइनें उठेंगे, जो पीछे बैठे हैं वो पीछे की 5 लाइनें उठेंगे और सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगे। साइलेंस में बिल्कुल, जैसे कि कोई है नहीं इस हॉल में। म्यूजिक चलते देना देना, बिल्कुल साइलेंस में। जो दरवाज़ा खोल दीजिए, उस दरवाजे के जो पास बैठे हैं वो 5 लाइनें उठेंगे, बिल्कुल।